हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टोपर स्प्रैंग चैनल में। इस वीडियो में आज हम पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर को। कंप्यूटर की जो है ये एमसीक्यू मैराथन होने वाली है, जिसमें हम एमसीक्यू भी सीख करेंगे और साथ में कंसेप्ट भी करेंगे, ठीक है। एमसीक्यू हम करने वाले हैं जो कि पूछे गए हैं एसएससी के एग्ज़ाम्स में, यानी कि टीसीएस जो है एसएससी का जो भी पेपर होता है उसको बनाता है। तो टीसीएस के द्वारा कंप्यूटर के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस एग्जाम्स में, अभी क्योंकि कंप्यूटर जो है एसएससी में वो आई थिंक 22 से शुरू जो है आना हुआ है, 22 और 23 के एग्जाम में जो है आया है, तो उसमें जो भी पेपर में कंप्यूटर पूछा गया वो सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। साथ में उससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, कंसेप्ट है, वो हम साथ साथ सीखते चलेंगे। और इसके अलावा अगर कंप्लीट ही आपको वीडियो चाहिए कि नहीं मुझे पूरा टॉपिक ही पढ़ना है, मैंने बिल्कुल कुछ आता ही नहीं है मुझे उस सब्जेक्ट में, ठीक है, तो वो भी वीडियो जो है चैनल पे अवेलेबल है। आप टॉपिक का नाम डालिए बाई टॉपर्स प्राइम करके, चैनल जो है आप उसमें सर्च में डाल सकते हैं, वहाँ पर जो है आपको कंप्यूटर की वीडियो मिल जाएंगे, ठीक है। वो कंप्यूटर प्रॉपर डीएसएसबी के लिए नहीं है, लेकिन वो सब्जेक्ट ज़रूर हुआ है और सेम ही रहता है। कुछ ऐसा नहीं है कि डीएसएसबी में कंप्यूटर आ रहा है तो कुछ अलग हो जाएगा, नहीं, सिलेबस वही रहता है सेम जो बाकी एग्जाम्स में जो है इसका रहता है, ठीक है। तो वो सारे मैंने करा रखे हैं, तो इसमें सिर्फ हम जो है एमसीक्यू मैराथन जो है ये रखने वाले हैं, जिसमें हम सारे तरीके के क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए, अगर मैं बात करूँ डीएसएसबी की तरफ से कोई सिलेबस जो है मेंशन नहीं किया गया था, तो इसमें कुछ टॉपिक्स जो है वहाँ पे लिखे थे जब जो भी नोटिफिकेशन वगैरह आई थी, तो उसमें कुछ टॉपिक्स जो थे मेंशन थे, कौन कौन से थे। देखिए, फर्स्ट टॉपिक जो था वो था बेसिक फैमिलियरिटीज विद कंप्यूटर, ठीक है। क्या था? बेसिक फैमिलियरिटी विद कंप्यूटर। अब इसमें आप क्या पढ़ेंगे बेसिक फैमिलियरिटी, तो इसमें आप चैनल पे अगर वीडियो चाहिए तो कंप्यूटर फंडामेंटल बाय टॉपर्स प्राइम चैनल करके डाल लेना, पूरी वीडियो जो है आपको निकल जाएगी, जिसमें आपको कंप्यूटर के बारे में पढ़ना है। कंप्यूटर में हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, ठीक है, इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस क्या होती है, मेमोरी का कंसेप्ट क्या होता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है आपको इसमें पढ़नी है, ठीक है। कंप्यूटर फंडामेंटल या बेसिक फैमिलिटीज विद कंप्यूटर, तो ये पूरा जो है उसमें कवर होगा। दूसरा जो टॉपिक इसमें मेंशन था वो था इंटरनेट। सेम इंटरनेट को भी आपको क्या करना है, इंटरनेट बाय टॉपर्स प्राइम चैनल कर दीजिए, वीडियो आपको मिल जाएगी, ठीक है। इंटरनेट में आपको क्या पढ़ना है कि इंटरनेट कब आया था, ठीक है, इंटरनेट के लिए क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए, कौन हमें इंटरनेट प्रोवाइड करता है, जैसे ISP एक होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, फिर वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है, वेबसाइट क्या होती है, ठीक है, URL क्या होता है, इनकी फुल फॉर्म आपसे पूछी जाती है, डोमेन नेम क्या होता है, तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको करवा रखी है। ईमेल क्या होता है, ठीक है, FTP क्या होता है, तो ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। तीसरा जो टॉपिक हमारा बनता है वो बनता है सोशल मीडिया से। सोशल मीडिया मतलब क्या कह सकते हैं इसमें, सोशल मीडिया में आप सोशल जो भी यहाँ के जो एथिक्स होते हैं वो पढ़ सकते हैं, या फिर जो भी सोशल मीडिया है, फेसबुक है, ट्विटर है, इनके मतलब ये कब आए थे, ये सारी चीज़ें जो है इसमें आ जाएंगी। और चौथा हमारा ऑफिस ऑटोमेशन से बनता है, तो ऑफिस ऑटोमेशन में आप पूरा MS ऑफिस पढ़ सकते हैं, ठीक है, MS वर्ड हो गया, MS एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गया, इनके शॉर्टकट की क्या होती हैं, तो वो सब भी जो है अवेलेबल है, तो वहाँ पे आपको जिसको डिटेल में पढ़ना है वो पढ़ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्वेश्चंस के थ्रू चलेंगे और जो भी क्वेश्चन है उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी वो साथ साथ डिस्कस की जाएंगी। तो यहाँ पे सिर्फ मैंने कंप्यूटर की डेफिनेशन यहाँ पे रखी है कि कंप्यूटर क्या होती है। सबसे पहला तो क्वेश्चन आपको यही पता होना चाहिए कि जो कंप्यूटर होता है वो इलेक्ट्रॉनिक मशीन होता है, इलेक्ट्रिक नहीं होता है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन होता है। इट कैन डू ऑल काइंड्स ऑफ वर्क easily and quickly, मतलब बहुत जल्दी जो है और क्विकली जो है आसानी से जो है कंप्यूटर काम कर देता है, ना ही वो थकता है। विदाउट इलेक्ट्रिसिटी ये वर्क नहीं करता है। ह्यूमन ब्रेन इज क्रिएटर ऑफ कंप्यूटर, ठीक है, मतलब ह्यूमन जो ब्रेन है, माइंड है, उस को जो है कंप्यूटर का क्रिएटर कह सकते हैं। कंप्यूटर को किसने इन्वेंट किया था, ये आप एक क्वेश्चन समझ के चलिए कि पूछा जा सकता है। तो चार्ल्स बेबिज ने कंप्यूटर को इन्वेंट किया, इसीलिए इन्हें जो है फादर ऑफ कंप्यूटर जो है कहा जाता है। तो क्वेश्चन आता है फादर ऑफ कंप्यूटर किसको कहते हैं, तो चार्ल्स बेबिज को कहते हैं। कंप्यूटर क्या है, इलेक्ट्रिक मशीन है या इलेक्ट्रॉनिक है, तो इलेक्ट्रॉनिक मशीन जो है हो जाएगा, ठीक है। चलिए अभी हम क्वेश्चन पे आते हैं, तो ये 2022 का एग्जाम है CGL का, तो इसमें देखिए क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन ऑफ प्रिंट सेटिंग इज यूज टू चूज ओनली स्पेसिफिक पेज इन MS Word 365, ठीक है। देखिए MS Word के जो अलग अलग वर्जन आए हैं उसमें लगभग सारी चीज़ें जो है सेम ही मिलेंगी, ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए डाल दिया जाता है MS Word 365। तो ऑब्वियस हम ऐसा तो नहीं होगा कि हम MS Word 365 को अलग से पढ़ेंगे, फिर जो MS Word का जो दूसरा वर्जन आया उसको अलग से पढ़ेंगे, नहीं ऐसा नहीं है। इसमें कुछ चीज़ें मतलब एक या दो चीज़ें जो है डिफरेंट होती है, अदरवाइज सारे ही जो फंक्शन होते हैं ना वो सेम होते हैं, ठीक है। तो एक आपने पढ़ लिया MS Word, एनफ है वो,
ठीक है, और मैंने करवा रखा है, आप एमएस वर्ड बाय टॉपर्स प्राइम करके आप सर्च कर सकते हैं, वहाँ पे कंप्लीट एमएस वर्ड जो है करवाया हुआ है चैनल पे, ठीक है। तो इसमें पूछा था कि कौन सी सेटिंग है जो चूज करती है ओनली स्पेसिफिक पेज। यहाँ पे आप देखेंगे तो चार ऑप्शन है, प्रिंट ऑल पेज। देखिए जब स्पेसिफिक पेज की बात आ गई तो ऑल पेजेस तो वैसे ही नहीं होगा, क्योंकि ये आपको सारे पेजेस को प्रिंट करके देगा, ठीक है। करंट पेज मींस जो करंट पेज खुला हुआ है सिर्फ उसको ये प्रिंट करेगा। प्रिंट सिलेक्शन जो आप सिलेक्ट करोगे उसको प्रिंट करेगा। अब बचता क्या है, कस्टम प्रिंट। कस्टम प्रिंट यूज करते हैं स्पेसिफिक पेज के लिए। तो देखिए यहाँ पे कुछ ऐसी सेटिंग होती है जिसमें प्रिंट ऑल पेजेस का है, तो जो होल थिंग्स, ठीक है, मतलब सारे पेजेस को प्रिंट करने की बात हो रही है। तो यहाँ पे आप पेज भी देख सकते हैं, बहुत सारे हैं। प्रिंट सिलेक्शन जस्ट व्हाट यू सिलेक्टेड, यानी कि जो आप सिलेक्ट करोगे सिर्फ वही प्रिंट होगा। करंट पेज मतलब जो भी पेज ओपन है करंटली उसको प्रिंट कर रहे हैं, तो सिर्फ वो पेज। और कस्टम प्रिंट होता है स्पेसिफिक पेज, सेक्शन और रेंजेस, इनको जो है प्रिंट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, कस्टम प्रिंट ऑप्शन का यूज किया जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे राइट आंसर कस्टम प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ईमेल सर्विस प्रोवाइडर। जो इनमें से ईमेल सर्विस की जो अभी सुविधा है वो नहीं देता। ईमेल आप सभी को पता है, जीमेल पे आपने अपनी ईमेल आईडी बनाते हो ना, तो वो अलग अलग उन पे प्लेटफॉर्म पे जो है ईमेल आईडी बनती है, जैसे याहू पे बनती है, जीमेल पे भी आप अपनी आईडी जो है बनाते हो, ठीक है। तो ये तो आपको पता ही होंगे। आउटलुक भी एक है, तो आउटलुक और जीमेल तो है ही है, साथ में येंडेक्स भी जो है क्या है, ईमेल सर्विस प्रोवाइडर, यानी कि ये भी आपको ईमेल सर्विस जो है देता है। तो ऑल आर ईमेल सर्विस प्रोवाइडर। इसके अलावा और भी ऑप्शन इसमें याद रखिएगा, आउटलुक हो गया, एक्सचेंज हो गया, जो हो, मेल आर यू, आई मैप, क्यों क्यों मेल, गो डैडी, ऑफिस 365, आई क्लाउड, ये सारे भी क्या है, ईमेल सर्विस प्रोवाइडर है, ठीक है। तो एक बार जस्ट इनको पढ़ लेना। चलिए देखिए क्वेश्चन है, द इंस्ट्रक्शन दैट इज नॉट टू बी एग्जीक्यूटेड इमीडिएटली इज प्लेस। देखिए कोई इंस्ट्रक्शन है जिसको आप एग्जीक्यूट करना चाहती है, ठीक है, मतलब एग्जीक्यूट अभी नहीं करना चाहते, मीन्स कोई इंस्ट्रक्शन आपको मिली, अब आप उसको एग्जीक्यूट नहीं करना चाहते, तो ऑब्वियस है अगर मैं उसको एग्जीक्यूट नहीं कर रही हूँ तो कंप्यूटर में मुझे उसे कहीं तो स्टोर करना पड़ेगा ना, ठीक है। तो ये वो यही पूछ रहा है कि उसको हम कहाँ पे प्लेस करेंगे, ठीक है। क्या करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में करेंगे? नहीं, करंट भी कैसे कर सकते हैं, करंट में तो जो अभी हमें एग्जीक्यूट करनी होगी वो ही आएगी, ठीक है। इंस्ट्रक्शन बफर, देखिए जब भी कोई चीज़ हमें स्टोर करनी होती है तो हम उसे कहाँ रखेंगे, बफर में रखते हैं, बफर का मतलब ही स्टोरेज होता है, ठीक है। तो इंस्ट्रक्शन बफर रजिस्टर इसका सही हो जाएगा। फिर प्रोग्राम काउंटर और MAR है, तो यहाँ पे कुछ दिए गए हैं, जैसे अगर आपके पास आता है DR, DR की सबसे पहले तो फुल फॉर्म याद रखिए, DR होता है डाटा रजिस्टर, जो कि ओपरेंड को होल्ड करके रखता है। अब ओपरेंड क्या होता है, देखो ओपरेंड क्या होता है, अगर मैं लिखती हूँ ऐसे A+B, तो इसमें जो A और B है ये क्या है, ओपरेंड है, और ये जो प्लस का साइन आप देख रहे हैं ये क्या है, ऑपरेटर है, ठीक है। तो ओपरेंड जैसे AB 1 2, ये सब जो है ओपरेंड है, तो इनको जो होल्ड करेगा ओपरेंड उसको हम बोलेंगे डाटा रजिस्टर, ठीक है। फिर आता है जो एड्रेस होल्ड करके रखेगा मेमोरी के लिए, ठीक है। अब मान लो A+B का कोई एड्रेस है C, अब इसको जो एड्रेस इसके एड्रेस को जो स्टोर करके रखेगा वो क्या हो जाएगा, एड्रेस रजिस्टर हो जाएगा, ठीक है। एक होता है एक्यूमुलेटर, ये होता है प्रोसेसर रजिस्टर। प्रोसेसर किसे कहते हैं कंप्यूटर में, तो CPU को ही प्रोसेसर बोला जाता है, जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है वही क्या होती है, प्रोसेसर होती है, ठीक है। तो एक्यूमुलेटर का काम क्या होता है, ये क्या होता है, प्रोसेसर रजिस्टर होता है। फिर आता है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, क्या है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, तो ये जो भी इंस्ट्रक्शंस गिवन होंगी, जो इंस्ट्रक्शन कोड होगा, जो जो इंस्ट्रक्शन दी होगी, उनको होल्ड कौन रखेगा, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर रखेगा, ठीक है। आगे देखेंगे आप तो PC प्रोग्राम काउंटर होता है, ये होल्ड करके रखता है एड्रेस ऑफ इंस्ट्रक्शन, यानी कि मान लो एक इंस्ट्रक्शन पे आप काम कर रहे हो और नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या एग्जीक्यूट होनी है, उसका जो एड्रेस होगा वो किसके पास होगा, प्रोग्राम काउंटर के पास होगा, तो ये होल्ड करके रखता है नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो भी एग्जीक्यूट होनी है उसका एड्रेस, ठीक है। तो है होल्ड एड्रेस ऑफ इंस्ट्रक्शन। एक TR होता है टेम्प रजिस्टर, ये टेम्परेरी जो डाटा होता है, होल्ड टेम्प डाटा, यानी कि टेम्परेरी जो डाटा होता है उसको होल्ड करता है TR। एक होता है इनपुट रजिस्टर, तो ये होल्ड करेगा इनपुट कैर को, और आउटपुट रजिस्टर तो होल्ड करेगा आउटपुट कैर को, ठीक है, मीन्स जो भी इनपुट डाटा है उसको होल्ड करके रखेगा और ये आउटपुट को होल्ड करके रखेगा, ठीक है। तो ये ऐसे हो जाएंगे, ठीक। एड्रेस रजिस्टर ये आ चुका है, मेमोरी एड्रेस वही है, होल्ड एड्रेस फॉर मेमोरी, तो वो मेमोरी एड्रेस रजिस्टर कह लो या एड्रेस रजिस्टर कह लो, ठीक है, कुछ ऐसा नहीं है। तो जब भी स्टोर की बात आएगी तो कहाँ पे हम प्लेस करके रखेंगे, कोई चीज़ हमें एग्जीक्यूट नहीं करनी है तो बफर रजिस्टर में, कहाँ पे, बफर रजिस्टर।
ओके चलिए. डैश इज़ ए टाइप ऑफ मालवेयर दैट इज ऑफन डिस्गाइज्ड एज लेगिटिमेट सॉफ्टवेयर, रैंसमवेयर, रूल किट, की लोगर या ट्रोजन. ठीक है, तो ये पढ़ते हैं. देखिए मालवेयर से आपको बहुत सारे क्वेश्चन पढ़ेंगे, तो ये आप जो आपका सोशल वाला जो चैप्टर मैं कह रही थी सोशल मीडिया, वहाँ पे इन चीज़ों को याद रख सकते हैं. ठीक है, तो ये आप उसमें पढ़ सकते हैं. तो पढ़ते हैं, देखिए टाइप्स ऑफ मालवेयर. देखिए मालवेयर क्या है, सबसे पहले ये जानते हैं. मालवेयर इज़ ए सॉफ्टवेयर दैट इज़ डिजाइंड टू अटैक, कंट्रोल एंड डैमेज अ डिवाइस सिक्योरिटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम. ठीक है, मालवेयर क्या होता है, ये जो है एक तरीके का सॉफ्टवेयर होता है मालवेयर, जिसको डिज़ाइन किया जाता है आपके जो भी आप कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, इनमें अटैक करने के लिए. ठीक है, इसको खुद कोई और कंट्रोल करे. अब आपके फ़ोन में मान लो कोई भी वायरस अगर डाल देते हैं, मालवेयर डाल देते हैं, इससे क्या होगा कि कोई और कहीं और बैठा जो है आपके फ़ोन को ऑपरेट कर सकता है. ठीक है, फ़ोन को कंट्रोल कर सकता है. तो इस तरीके से होता है, मतलब किसी भी डिवाइस की जो सिक्योरिटी है उसको डैमेज करने के लिए जो है वायरस जो बनते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, मालवेयर कहते हैं. मालवेयर अगर हम देखें तो अलग अलग तरीके के होते हैं. जैसे रैंसमवेयर होता है, एक फाइल लेस मालवेयर होता है, मोबाइल मालवेयर है, वाइपर मालवेयर है, वायरस है, स्पाईवेयर है, ट्रोजन है, एडवेयर है, वॉर्म्स है, रूट किट्स हैं, बोट नेट्स है. ये सारे जो हैं अलग अलग टाइप्स के मालवेयर जो हैं होते हैं. ठीक है, तो अब इन्हें जो है हम जानते हैं. मेनली इन्हीं में से जो है आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं. जो यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है ना, डायरेक्ट आपको यही जो है ऑप्शन में मिलने वाली है. तो ये आप याद रखिएगा कि ये किसका मतलब था. ठीक है, ओके. कई बार देखो ये भी क्वेश्चन आ जाता है, मालवेयर को और हम क्या कहते हैं. तो मालवेयर को ना मेलिशियस सॉफ्टवेयर भी कहा जाता है. क्या बोलते हैं, मेलिशियस सॉफ्टवेयर. तो ये टर्म भी जो है आपको याद रखनी है. तो यहाँ पे देखिए 12 टाइप्स ऑफ मालवेयर दिए गए हैं. सबसे पहले वायरस दिया गया है. वायरस क्या होता है, एक तरीके का प्रोग्राम होता है जो किसी भी अननोन फाइल के साथ जो है अटैच होता है. ओके, और जब कोई भी यूज़र उस अननोन फाइल को क्या करता है, डाउनलोड करता है, तो जो भी वायरस होते हैं वो आपके कंप्यूटर में या आपके फ़ोन में जो है क्या हो जाते हैं, एंटर कर जाते हैं. और क्या होगा फिर, उसको जो है नुकसान जो है वो पहुंचाते हैं. तो वायरस एक फाइल के रूप में आता है, याद रखना, एक प्रोग्राम के तरीके से जो आता है, मतलब एक तरीके का प्रोग्राम होता है जो कि क्या होता है, किसी भी अननोन फाइल से जुड़ा होता है. ओके, और ये क्या करता है, सेल्फ रेप्लिकेट करता है, अपने की जो है खुद की कॉपी बनाता है. ठीक है, तो याद रखना है. ठीक है, वायरस क्या करता है, मतलब एक बार वायरस आ गया तो पूरा जो कंप्यूटर है ना उसको वो क्या करेगा, अफेक्ट करेगा. क्यों, क्योंकि वो अपनी जो है कॉपी बनाता रहेगा. ठीक है, जब वो खुद की कॉपी बनाएगा तो ऑब्वियस है क्या होगा, वो जो है आगे भी जो है वो फैल सकता है. अगर वो अपनी कॉपी बना रहा है तो वो फैलता ही जाएगा. ठीक है, तो ये कह रहा है वायरस सेल्फ रेप्लिकेट एंड स्प्रेड मेलिशियस कोड विद द हेल्प ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शन. तो क्वेश्चन यही आता है कि इनमें से कौन सा मालवेयर है जो अपनी कॉपी बनाता है, यानी कि सेल्फ रेप्लिकेटेड होता है, तो वो वायरस होता है. ये आपको याद रखना है. उसके बाद आता है वॉर्म. ओके, ये भी देखो, ये सेल्फ रेप्लिकेट करता है एंड स्प्रेड मालवेयर विदाउट रिक्वायरिंग ह्यूमन इंटरेक्शन. देखिए इसमें ह्यूमन इंटरेक्शन की जरूरत पड़ती है. इसमें क्या है, ह्यूमन इंटरेक्शन की जो है जरूरत पड़ती है. लेकिन वॉर्म ऐसा होता है जो कि सेल्फ रेप्लिकेट होता है और ये बहुत ही जल्दी जो है फैलता है. ओके, और मतलब जो भी कंप्यूटर में डाटा होता है, फाइल्स होती हैं, उनको क्या कर देता है, डिलीट कर देता है. और जो स्पीड होती है ना उसको क्या कर देता है, बहुत स्लो कर देता है ये कंप्यूटर की स्पीड को. ठीक है, तो याद रखना है. देखिए वायरस में ह्यूमन इंटरेक्शन की जरूरत होगी, लेकिन वॉर्म में जो है ह्यूमन इंटरेक्शन की हेल्प नहीं होगी और ये खुद ब खुद जो है अपने आप को स्प्रेड कर देगा. सेल्फ रेप्लिकेट जो है ये करता है. ओके, ऑटोमेटिकली जो है ये कंप्यूटरों में फैल जाता है और जो भी फाइल्स होती है उन्हें डैमेज करता है. चलिए उसके बाद आता है एडवेयर. एडवेयर नाम से ही पता चल रहा है, एड. ठीक है, जो एड्स के थ्रू, जो एड्स के थ्रू जो भी वायरस आता है या जो भी मालवेयर आता है या कह लीजिए वायरस होता है ना, ठीक है, तो वो एडवेयर होते हैं. डिस्प्ले मेलिशियस एड्स ऑन द इन्फेक्टेड डिवाइस. तो इसमें जो है ना क्या कह सकते हैं, मतलब एडवेयर ना एक तरीके का सॉफ्टवेयर होता है जो क्या कराता है, अपने आपके कंप्यूटर पर क्या होगा, एड दिखाएगा, विज्ञापन जो होते हैं हिंदी में अगर बोले तो. ठीक है, और वो ऐसे एड दिखाता है जिनमें क्या होता है, वायरस होता है. ठीक, और जैसे ही आप उस एड पे क्लिक करोगे क्या होगा, वायरस आपके कंप्यूटर में आ जाएगा. ठीक, तो एड ऐसे ही किसी पर भी एड पर जो है आपको क्लिक नहीं कर देना चाहिए. ठीक है, क्योंकि उसमें भी क्या होते हैं, वायरस होते हैं. ठीक, तो उस वजह से भी जो आपका डिवाइस इन्फेक्ट हो सकता है. ओके, उसके बाद आता है ट्रोजन.
ट्रोजन क्या है? देखिए, ट्रोजन इनफेक्ट डिवाइस विद मालवेयर इन द डिस्काइज ऑफ लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर। ये ऊपर यही डेफिनेशन जो थी दी गई थी ना ट्रोजन में, ठीक है। ट्रोजन हॉर्स क्या होता है? ये भी एक तरीके का सॉफ्टवेयर है जो कि आपको क्या लगेगा अगर आप इससे पहली बार देखेंगे तो ये आपको जैसे बाकी सॉफ्टवेयर होते हैं उसी की तरीके से लगता है। और इसे क्या कर लेते हैं हम अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लेते हैं, ओके। और जैसे ही हम इसको क्या करेंगे इंस्टॉल करेंगे, ये क्या करेगा हमारा जो भी डाटा है जो भी इंफॉर्मेशन है उसको क्या करता है चुराने लग जाता है, ठीक है। मतलब जैसे ही हमने इंस्टॉल किया, मतलब ये बाकी जो हमारी ऐप होती है उन्हीं की तरह लगता है, बट जैसे ही हम इसको क्या करते हैं इंस्टॉल करते हैं तो ये हमारे ही डाटा और इन्फॉर्मेशन को क्या करने कर लगता है चोरी करने लगता है, ओके। इसीलिए हमें जो है अक्सर हम कहते हैं कि किसी भी अननोन ऐप को जो है आपको कंप्यूटर में इंस्टॉल नहीं करना चाहिए। फ़ोन में भी यही चीज़ है, फ़ोन में भी जो है ये नहीं है कि आप धड़ाधड़ जो है लगे हुए हैं ऐप को इंस्टॉल करने में, नहीं। जो आपको लगता है, जैसे अगर मान लो आप कोई ये एजुकेशन ऐप भी कर रहे हैं तो वो किसी पर्टिकुलर चैनल का हो तो ही उसको जो है आप क्या करो डाउनलोड करो, ठीक है, इंस्टॉल करो, ठीक है। ऐसे ही नहीं किसी को भी कर लो, तो इससे क्या होगा कि वो आपकी उसमें जो है एंटर कर जाते हैं फिर वायरस, और आपकी जो भी डाटा वगैरह है वो सब चोरी हो जाता है, तो वो एक प्रॉब्लम हो जाएगी फिर बाद में, ओके। चलिए उसके बाद आता रैनसमवेयर। रैनसमवेयर क्या करता है? ये भी एक मालवेयर है। इनक्रिप्ट फाइल एंड आस्क फॉर ए रैनसम टू रिट्रीव देम, ओके। रैनसमवेयर भी क्या करता है? यूजर का जो भी डाटा होता है उसको चोरी करता है, फिर उसके लिए वो ब्लैकमेल भी करता है। किसको? जिस यूजर का डाटा उसने चोरी किया है उसी को वो ब्लैकमेल करता है, ओके। तो बस यही रैनसमवेयर होता है। तो एनक्रिप्ट फाइल एंड आस्क फॉर ए, तो एनक्रिप्ट फाइल मतलब उसके जो भी फाइल्स होते हैं उन्हें चुराता है, और रैनसम टू रिट्रीव दैम यानी कि उन्हें वापस लेने के लिए फिर वो उन्हें जो भी उन्हें चाहिए है उसकी मांग करता है, पैसे चाहिए है या कुछ और चाहिए है डाटा को वापस लेने के लिए, वो फिर डिपेंड करता है, तो ये रैनसमवेयर हो जाएगा, ठीक। उसके बाद बोट है। बोट सिमुलेट ह्यूमन इंटरेक्शन टू ऑटोमेट प्रोसेसेस। बोटनेट को जो है आप रोबोट नेटवर्क भी बोल सकते हैं, जैसे आप देखेंगे ना तो बोट और नेट दो वर्ड से बना है। बोट मतलब रोबोट, ठीक है, रोबोट नेटवर्क, ठीक है। तो रोबोट का जो है ये एक नेटवर्क होता है, मतलब क्या होता है, देखिए कभी कभी आपने देखा होगा कि जब आप रोलम्बा को डाउनलोड जब आपको करना होता है, ठीक है, या आपकी क्या कहते हैं फॉर्म फिल जब करनी होती है तो वेबसाइट क्या होती है डाउन चली जाती है। तो क्या होता है कि किसी किसी की जो जितनी क्षमता होगी उतनी ही चीज़ें जो है वो ले पाएगा। मान लो किसी वेबसाइट पे सिर्फ एक बार में 20,000 ही लोग जो है जा सकते हैं, और लेकिन जब रोल नंबर वगैरह आता है तो 20,000 से कहीं ज़्यादा या जितनी उसकी लिमिट है उससे ज़्यादा एकदम से जब ओपन करने जाते हैं तो आपने देखा होगा कि वेबसाइट जो है काम करना बंद कर देती है, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ जो है बोटनेट जो है काम करता है, ठीक है, जहाँ पे जो है एक पूरी आर्मी जो है तैयार की जाती है अटैक करने के लिए, और फिर उसमें अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं, स्पैम करना हो सकता है, जो आजकल आपको पता है बैंक अकाउंट में से पैसे चोरी हो जाते हैं, वो सब सिर्फ इन्हीं मतलब इस बोटनेट की वजह से ये जो है ऐसा होता है, ठीक है। मतलब एक पूरी आर्मी जो है बना ली जाती है जिसको आप ज़ॉम्बी आर्मी भी जो है बोल सकते हैं, ठीक है। ज़ॉम्बी आर्मी, ज़ॉम्बी का मतलब देखो क्या होता है, कोई चीज़ जो है आप डिलीट कर चुके हैं उसके बावजूद जो है वो आपके उसमें जो है क्या हो वापस से जो है क्रिएट हो जाती है, तो उस चीज़ को आप ज़ॉम्बी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ ज़ॉम्बी प्रोसेस होती है, तो ये कुछ ऐसे जो है काम करता है, ओके। तो बोटनेट को आप कह सकते हैं ग्रुप ऑफ 100,000 इवन 10,000 ऑफ ज़ॉम्बी कंप्यूटर्स दैट आर अंडर द कंट्रोल ऑफ एन अटैकर, जो कि कंट्रोल में किसके होते हैं, किसी एक पर्टिकुलर आदमी के या अटैकर जो होता है उसके कंट्रोल में होते हैं वो सारे के सारे कंप्यूटर्स, ठीक है, ओके। तो ये बोटनेट होता है। चलिए उसके बाद आता है स्पाईवेयर। स्पाईवेयर क्या कह रहे हैं? मोनिटर यूजर एक्टिविटीज एंड गैदर सेंसिटिव डाटा, मतलब जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं उनको जो है मॉनिटर करता है, और फिर जो भी सेंसिटिव डाटा है उन्हें इकट्ठा करके जो है रख लेता है, इसको हम बोलते हैं स्पाईवेयर, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आपके जो भी उसमें कंप्यूटर में कुछ भी डाटा है, जैसे आपकी मान लो बैंक की जो जानकारी है या पासवर्ड है, ये आपके उसमें है कंप्यूटर में, तो उसको क्या करेगा वो चुरा लेगा, ठीक है, एंड देन क्या होगा उसको इकट्ठा करता जाएगा, ठीक। तो स्पाईवेयर में देखो नाम से ही पता चल रहा है, स्पाई मतलब जासूस, चोरी छिपे किसी भी व्यक्ति की जो है वो क्या कर सकता है जासूसी कर सकता है, ठीक। तो मीन्स जो भी आप कंप्यूटर में कर रहे हैं उस पर जो क्या रहती है उसकी नज़र रहती है।
उसके बाद रूट किट है, अनेबल अनऑथराइज्ड एक्सेस टू द कंप्यूटर सिस्टम विदाउट द यूजर नॉलेज। रूट किट क्या करता है? अनऑथराइज्ड मतलब एक होता है कि आप चाहते हैं कि ये पर्टिकुलर बंदा एक्सेस कर पाए या सिर्फ मैं एक्सेस कर पाऊँ, लेकिन रूट किट क्या करेगा कि कोई भी बंदा जो आपके कंप्यूटर में क्या कर सकता है, कंप्यूटर को एक्सेस कर सकता है। अनऑथराइज्ड एक्सेस मतलब जिसके पास एक्सेस है भी नहीं वो भी जो है उसको क्या कर सकता है, एक्सेस कर सकता है, और इस चीज़ का जो है यूजर को इस चीज़ की नॉलेज भी नहीं है। ठीक है, तो ये किसके द्वारा होगा? रूट किट के द्वारा होगा। ठीक है, उसके बाद एक आता है की लॉगर। की लॉगर का मतलब क्या होता है? की लॉगर देखो, की लॉगर मतलब कीबोर्ड जो हम यूज करते हैं, ठीक है, कीबोर्ड पर जो टाइप कर रहे हैं वो सारी जो चीज़ें होती हैं वो उसको पता होती है। तो एक तरीके का की लॉगर क्या होता है? एक मालवेयर होता है जिसके द्वारा जो है हैकर ये पता लगा सकता है कि कीबोर्ड पर जो है क्या टाइप किया जा रहा है। ओके, तो हम जो भी कीबोर्ड में की दबाएंगे वो सारी जानकारी जो है वो रिकॉर्ड करके क्या कर लेता है? हैकर सेव कर लेता है। ठीक, तो की लॉगर जो है जब हम कीबोर्ड पे काम कर रहे हैं तो बैकग्राउंड में चलने वाला एक तरीके का सॉफ्टवेयर होता है और जिसका पता जो है यूज़र को नहीं होता है। ठीक, और जब ऑब्वियस है देखो, मान लो हम अपना कोई भी अकाउंट जब ओपन करते हैं तो उसमें पासवर्ड वगैरह डालते हैं, तो अगर किसी के उसमें की लॉगर इंस्टॉल है तो उसमें जो भी पासवर्ड वो डालेगा, जो भी आईडी डालेगा, वो सारी की सारी क्या होगी, उस हैकर के पास क्या है हो जाएगी। चाहे आप डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, इनको भी जो है क्या करते हैं, मतलब रिकॉर्ड कर देता है वो इन चीज़ों को, जो भी पासवर्ड वगैरह हम मतलब हम कीबोर्ड पे जो हम जो भी टाइप करेंगे ना वो सारी की सारी जानकारी उसके पास होगी। तो रिकॉर्ड्स एंड मॉनिटर की स्ट्रोक टाइप्ड ऑन ए कंप्यूटर कीबोर्ड। ठीक, उसके बाद है फाइल लेस, ऑपरेट इन द कंप्यूटर मेमोरी विदाउट लीविंग ट्रेसेस ऑन द फाइल सिस्टम। ओके, ये कंप्यूटर मेमोरी में जो है होता है, फाइल लेस होती है, मतलब फाइल की जरूरत नहीं होती है इसमें। लॉजिक बॉम्ब यहाँ पे एक दिया गया है। लॉजिक बॉम्ब क्या होता है? ट्रिगर हार्मफुल एक्शन व्हेन स्पेसिफिक कंडीशंस आर मेट। देखो ओके, अब इसमें देखो क्या होता है, लॉजिक बॉम्ब भी क्या होता है, एक तरीके का कोड होता है जिसे जानबूझ करके जो है किसी भी सॉफ्टवेयर में डाला जाता है, और मेन जो मोटिव होता है इसका लॉजिक बॉम्ब का, वो फाइल्स को डिलीट करना होता है या जो भी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन होती है उसको चुराना होता है। ठीक है, या फिर कोई डाटा हार्ड डिस्क में मौजूद है उसको डिलीट करना जो है लॉजिक बॉम्ब का काम है। ज़्यादातर अगर हम लॉजिक बॉम्ब का इस्तेमाल देखें तो ये कंपनी में काम करने वाले जो लोग होते हैं उनके द्वारा किया जाता है। ओके, तो मान लो अगर किसी अभी उसको व्यक्ति को अगर कंपनी से निकाल दिया जाए तो वो क्या करेगा, कंपनी से बदला लेने के लिए जो है लॉजिक बॉम्ब का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, मतलब उसके पास सारी जानकारी तो होती है तो उन फाइल को डिलीट करना या उनकी जो भी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन है उनको चुराने का जो है काम हो जाएगा। फाइल लेस मेलवेयर का याद रखना, देखो ये चोरी छिपे होता है ये, तो इसको जो है किसी उससे क्या कहते हैं एंटीवायरस के द्वारा भी जो है फाइल लेस मालवेयर को नहीं पकड़ा जा सकता है, तो ये याद रखना है। अन्य मालवेयर की अगर कंपैरिजन में देखें तो फाइल लेस मालवेयर जो है वो सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है अगर हम कंपेयर करें बाकियों के साथ। तो एक होता है मालवेयरटाइजिंग, ये डिस्ट्रीब्यूट कर देता है मालवेयर को थ्रू ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट। ये ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट के थ्रू क्या करता है, मालवेयर को यानी कि वायरस को फैलाता है। ठीक है, तो ये 12 टाइप्स ऑफ मालवेयर हमने इसमें पढ़ लिए। तो ये इसमें ये था, डैश इज द टाइप ऑफ मालवेयर दैट इज ऑफन डिस्गाइज्ड एज लेगिटिमेट सॉफ्टवेयर, तो कौन सा हो जाएगा, ट्रोजन हॉर्स हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट इज यूज टू इंसर्ट ए हाइपरलिंक फॉर द सिलेक्टेड टेक्स्ट इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। वर्ड में हाइपरलिंक को ऐड करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की 8 से लेकर जेड तक मैंने सारी शॉर्टकट की यहाँ पे ऐड की है। जैसे सबसे पहले कंट्रोल ए, लेकिन देखो आपको पूरा डॉक्यूमेंट, जैसे ये पूरी फाइल आप देख रहे हैं, पूरी पीडीएफ आप देख रहे हैं, अगर मुझे इस पूरे इंटायर डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करना है तो मैं क्या करूँगी, ऊपर से लेकर नीचे तक जो है प्रेस ना करने के बजाय मैं डायरेक्ट कंट्रोल प्लस ए को प्रेस करूँगी और मेरा जो पूरा जो भी डॉक्यूमेंट है वो क्या हो जाएगा, सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो कंट्रोल प्लस ए होता है, तो ऑल के लिए सिलेक्ट एंटायर डॉक्यूमेंट कह लो, या अगर याद नहीं रहता है तो सिलेक्ट ऑल कह लो, ए से ऑल जो है आपको याद रह जाएगा। ठीक है, पूरे उसको देखिए। कंट्रोल बी, अगर आपको टेक्स्ट को बोल्ड करना है, बोल्ड करने का मतलब क्या होता है, मान लो ये सिलेक्ट ऑल लिखा है, इसी को अगर मैं बोल्ड करना चाहती हूँ तो ये आप मेरे को क्या दिखेगा, थोड़ा सा मोटा होके दिखाई देगा ऐसे, और जो है थोड़ा मोटा हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं बोल्ड करना। सी क्या होता है, देखो सी कॉपी सिलेक्टेड टेक्स्ट, जो भी देखिए किसी भी चीज़ को करने से पहले हमें क्या करना पड़ता है, उसको सिलेक्ट तो करना ही पड़ेगा, अदरवाइज हम कुछ ऑपरेशन उस पर कुछ भी अप्लाई नहीं कर पाएंगे।
तो जो भी चीज़ आपको करनी है, चाहे आपको बोल्ड करना है, चाहे आपको कॉपी करना है, उससे पहले हमें सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। अगर मैं सिलेक्ट ना करूं और सिंपल कंट्रोल बी प्रेस कर दूं तो वो वर्क नहीं करेगी। आपको जो चीज़ सिलेक्ट कर रखी है उसी पे जो है बोल्ड टेक्स्ट होगा, ओके। कंट्रोल डी क्या होगा, देखिए ये ओपन करेगा फॉन्ट डायलॉग बॉक्स, डी से डायलॉग बॉक्स याद रखो। अभी तक देखो बी से बोल्ड, सी से कॉपी, डी से डायलॉग बॉक्स ओपन करना है। ई में क्या हो जाएगा, सेंटर टेक्स्ट ऑन द स्क्रीन। देखो अगर देखो हम अपने जो भी टेक्स्ट लिखते हैं उसको हम लेफ्ट अलाइन कर सकते हैं, राइट अलाइन कर सकते हैं। तो इसके लिए लेफ्ट अलाइन करनी है तो कंट्रोल प्लस एल जो है हमारी शॉर्टकट की हो जाती है। अगर राइट अलाइन का मतलब है जो भी हमें लिखूँ वो राइट की तरफ दिखाई दे, लेफ्ट मतलब जो भी लिखूँ मैं लेफ्ट, जैसे यहाँ से शुरुआत हो और यहाँ दिखाई दे मुझे, ठीक है, यहाँ से मैं लिखती जाऊँ और वो मुझे दिखता जाए। राइट में मतलब राइट से शुरू, राइट में दिखेगी मुझे जो भी मैं लिखूंगी, ठीक है। और सेंटर का मतलब क्या होता है, सेंटर का मतलब क्या है कि वो सारी चीज़ें मुझे जो भी मैंने पैराग्राफ लिखा वो मुझे सिर्फ सेंटर में दिखाएगा, ना लेफ्ट में राइट में, लेफ्ट और राइट जो है वो नहीं दिखाई देगा, वो सेंटर में मुझे शो होगा। तो उसके लिए सेंटर हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो लेफ्ट के लिए तो कंट्रोल प्लस एल हो जाता है, आर के लिए कंट्रोल प्लस, मतलब राइट के लिए कंट्रोल प्लस आर हो जाता है, लेकिन कोई चीज़ हमें सेंटर में चाहिए तो उसके लिए कौन सी हो जाएगी, कंट्रोल प्लस ई हो जाएगी। तो ये आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। तो सेंटर टेक्स्ट ऑन द स्क्रीन, टेक्स्ट को सेंटर में अलाइन करने के लिए, सेंटर अलाइन करने के लिए हम कंट्रोल प्लस ई का यूज़ करते हैं। एफ से देखो, एफ से ओपन करेंगे फाइंड बॉक्स को, जी से गो टू कमांड, मतलब नाम से ही पता चल रहा है, एच है तो फाइंड एंड रिप्लेस। अब देखो दो तीन आपको याद रखनी है, जैसे सेंटर हो गया टेक्स्ट ऑन द स्क्रीन, एफ से फाइंड बॉक्स था, जी से गो टू था, और फाइंड एंड रिप्लेस कमांड एच से हो जाएगा। आई से इटैलिक हो जाएगा, यानी कि थोड़े से तिरछे आपको वर्ड्स जो है दिखाई देंगे। देखो ये होता है जस्टिफाइड टेक्स्ट। जस्टिफाइड टेक्स्ट का मतलब क्या, देखो लेफ्ट पढ़ा हमने, राइट पढ़ा, और एक होता है जस्टिफाइड। जस्टिफाइड टेक्स्ट का मतलब होता है जो गैप आपका लेफ्ट साइड है वही राइट साइड, यानी कि दोनों तरफ से इक्वल हो, ठीक है, वो होता है जस्टिफाई। मतलब ना तो वो लेफ्ट में है ना वो राइट में है, सेम उसमें है। तो जस्टिफाइड टेक्स्ट अलाइन करने के लिए हम जो है कंट्रोल प्लस जे का यूज़ करते हैं। हाइपर लिंक, लिंक को अगर ऐड करना है तो कंट्रोल प्लस के का यूज़ किया जाता है। लेफ्ट अलाइनमेंट मैं पहले ही बता चुकी हूँ, एल हो जाएगा, ठीक है, ओके। उसके बाद आता है कंट्रोल एम, ये इंडेंट पैराग्राफ और सिलेक्टेड टेक्स्ट, पैराग्राफ इंडेंटिंग के लिए जो है हम कंट्रोल प्लस एम का यूज़ करते हैं। देखो कंट्रोल प्लस एम याद रखना है इंडेंट पैराग्राफ, लेकिन ये एमएस वर्ड में ये भी याद रखना, क्योंकि अगर हम इन्हें ही पावर पॉइंट में पढ़ेंगे ना तो कंट्रोल प्लस एम जो है वहाँ पे स्लाइड लगाने के लिए यूज़ की जाती है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ये एमएस वर्ड की बात हो रही है। कंट्रोल एन हो जाएगा कोई भी नया ब्लैंक डॉक्यूमेंट अगर आपको ओपन करना है, वो न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट जो है आपको खोलना है तब, ओके। कंट्रोल प्लस ओपन ओ होता है, मान लो कोई मैंने फाइल बना रखी है, कोई पीडीएफ बना रखी है, उस पहले जो बना रखी है उसको ओपन करने के लिए हम कंट्रोल प्लस ओ को करेंगे। कोई फाइल नहीं बनी और मुझे नई बनानी है तब हम कंट्रोल प्लस एन करेंगे न्यू डॉक्यूमेंट के लिए। पी क्या होता है, प्रिंट विंडो जो है ओपन हो जाती है। क्यू, कंट्रोल प्लस क्यू, क्लियर द फॉर्मेटिंग फ्रॉम द रूलर, ठीक है, फॉर्मेटिंग फ्रॉम द रूलर क्लियर करने के लिए हम कंट्रोल प्लस क्यू का। आर, राइट अलाइन हो जाएगा। एस से सेव हो जाएगा डॉक्यूमेंट, मतलब मैंने कोई पीडीएफ बनाई और उसको मुझे सेव करना है किसी भी नाम से, तो मैं क्या करूँगी, कंट्रोल प्लस एस जो है प्रेस करूँगी और वो डॉक्यूमेंट मेरा सेव हो जाएगा। टी होता है क्रिएट ए हैंडलिंग इंडेंट, तो ये एक दो याद रखनी है। यू से अंडरलाइन टेक्स्ट होता है। पी, ये देखिए कंट्रोल प्लस सी, हमने पढ़ा था कॉपी। अब जब कोई चीज़ कॉपी की है तो उसको पेस्ट भी तो करेंगे ना कहीं, तो उस पेस्ट को करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, कंट्रोल प्लस वी। एक होता है कट, कट किससे करेंगे, कट देखिए कट आपको जो है किसका साइन, सीजर का साइन किस में दिखाई देता है, एक्स में दिखाई देता है ना, तो कट टेक्स्ट जो है इससे होगा। तो कट कॉपी पेस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कट होगा एक्स से, कॉपी होगा सी से, और पेस्ट होगा वी से, ओके। डॉक्यूमेंट को अगर क्लोज करना है तो कंट्रोल प्लस डब्ल्यू को प्रेस करना है। वाई और जेड रीडू और अंडू के लिए होते हैं। देखिए रीडू द लास्ट एक्शन तो कंट्रोल वाई को प्रेस करेंगे, और अंडू द लास्ट एक्शन तो कंट्रोल प्लस जेड को, ठीक है। तो ये सारी जो है शॉर्टकट की हो जाएंगी एमएस वर्ड की। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया था, विच अमंग द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट इज यूज्ड टू इंसर्ट ए हाइपर लिंक फॉर द सिलेक्टेड टेक्स्ट, तो कंट्रोल प्लस के हो जाएगा। एम किसके लिए पढ़ा हमने, इंडेंटेशन के लिए पढ़ा था, ठीक है। जेड हमने अंडू के लिए पढ़ा है, और एच हमने फाइंड एंड रिप्लेस के लिए पढ़ा था, ठीक। तो ये इस तरीके से हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अभी, यहां से है। डैश इज ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रॉनिक डिस्क, इनमें से इलेक्ट्रॉनिक डिस्क क्या होती है, तो इसमें आ जाता है मेमोरी का कंसेप्ट। तो देखो
मेमोरी का कंसेप्ट होता है। देखिए कुछ मेमोरी ऐसी होती है जो इंटरनल होती है और कुछ ऐसी होती है एक्सटर्नल। इंटरनल का मतलब है जो आपके कंप्यूटर के अंदर होती है वो इंटरनल मेमोरी होगी, और जो हम बाहर से अटैच करते हैं और उन्हें हटा देते हैं वो हमारी एक्सटर्नल मेमोरी होती है। तो इंटरनल इंटरनल में अगर आप देखेंगे तो रैम और रोम जो है मेनली दो आती हैं, ठीक है। इसके अलावा हम कैशे और वर्चुअल मेमोरी भी जो है यूज़ कर लेते हैं, और सिक्वेंशियल एक्सेस है तो ये कुछ ऐसा नहीं है कुछ खास, ठीक है। तो इसमें सिर्फ रैम रोम और कैशे ही इंपॉर्टेंट है। रैम में देखिए एस रैम और डी रैम आती है। एस रैम की फुल फॉर्म होती है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम की फुल फॉर्म आपसे पूछी जाएगी तो ये रहेगी रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। और रोम होता है रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, ओके। रैम और रैम रोम जो होती है ना इसको हम प्राइमरी मेमोरी भी बोलते हैं और मेन मेमोरी भी बोला जाता है। और जो ये होती है मैग्नेटिक ऑप्टिकल, ये हमारी सेकेंडरी मेमोरी होती है। क्या होती है? सेकेंडरी मेमोरी होती है। एक होती है कैशे मेमोरी। कैशे मेमोरी की अगर हम बात करें तो कैशे मेमोरी जो होती है ना फास्टेस्ट मेमोरी जो है मानी जाती है, और स्मॉलेस्ट मेमोरी होती है। ये स्मॉलेस्ट एंड फास्टेस्ट मेमोरी जो है कौन सी मानी जाती है? कैशे। कैशे से के अलावा भी अगर आपके ऑप्शन में कभी रजिस्टर आ जाता है तो सबसे फास्ट कौन सी हो जाएगी? वो हो जाएगी रजिस्टर। लेकिन रजिस्टर अगर ऑप्शन में नहीं है तो कैशे मेमोरी जो है वो फास्टेस्ट मेमोरी मानी जाएगी, ठीक है। तो ये याद रखना है। इसमें देखिए एक्सटर्नल में भी अलग अलग चीज़ों में हम इसको डिवाइड करते हैं, जैसे सॉलिड स्टेट हो गया, मैग्नेटिक हो गया, ऑप्टिकल। ऑप्टिकल डिस्क में अगर हम देखें तो सीडी और डीवीडी जो होती है ना ये ऑप्टिकल डिस्क मानी जाती है। क्या मानते हैं हम? ऑप्टिकल डिस्क। मैग्नेटिक होती है हार्ड डिस्क ड्राइव, और सॉलिड स्टेट में आती है सॉलिड स्टेट ड्राइव, यूएसबी मेमोरी स्टिक एटसेट्रा। इसी सॉलिड स्टेट को और किस नाम से जानते हैं? इसी को हम जो है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क भी जो है कहते हैं। तो सॉलिड स्टेट ड्राइव जो है हमारा करेक्ट आंसर जो है यहां पे हो जाएगा, ठीक है। और यूएसबी स्टिक है, हार्ड ड्राइव है, ये फिर सॉलिड स्टेट ड्राइव में ही आ जाती है। लेकिन सॉलिड स्टेट ड्राइव को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक डिस्क भी कहते हैं। तो ये आपको याद रखना था, ओके। रोम में याद रखिए अलग अलग तरीके की होती है। एम रोम होती है, पी रोम होती है, ई पी रोम होती है, और इलेक्ट्रॉनिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। देखो पी रोम होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, फिर इलेक्ट्रॉनिकल पी इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और इरेजेबल, ये इरेजेबल होती है, और ये होती है इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक। चलिए ओके, अगला क्वेश्चन है। डैश इज ए पैसेज टू कनेक्ट टू नेटवर्क दैट मे वर्क ऑन डिफरेंट नेटवर्किंग मॉडल। मतलब दो नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए जो कि अलग अलग मॉडल्स पे काम कर रहे हैं उनको कनेक्ट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? क्या राउटर का, या स्विच का, गेटवे या हब? तो इनको कनेक्ट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? गेटवे का। जब भी दो डिफरेंट नेटवर्किंग मॉडल्स को कनेक्ट करने की बात आएगी आंख बंद करके गेटवे का लगा देना है। डिफरेंट जब जहां पर भी होगा गेटवे आ जाएगा, ठीक है। तो देखो टाइप्स ऑफ नेटवर्क डिवाइस यहाँ पर रिपीटर दिया गया। सबसे रिपीटर इज ए टू पोर्ट नेटवर्क डिवाइस दैट रीजनरेटेड। देखिए रिपीटर का काम क्या होता है? रीजनरेट द सिग्नल। मान लो कोई सिग्नल जो है कुछ टाइम के बाद क्या हो गया, यहाँ से दूर जाने के बाद वो थोड़ा वीक हो गया, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे? रिपीटर लगा देंगे। जैसे ही हमने रिपीटर लगाया जो भी सिग्नल वीक हो रहा था वो वापस जो है क्या हो जाएगा? रिवाइव हो जाएगा, ठीक है। तो मीन्स क्या हो जाएगा? वो रीजनरेट हो जाएगा। तो कभी भी रीजनरेट द सिग्नल की बात आए ना कि हमें किसी सिग्नल को रीजनरेट करना है तो हम किस नेटवर्क डिवाइस का यूज करेंगे, तो वो रिपीटर हो जाएंगे, ठीक है। नेटवर्क हब इज ए मल्टीपोर्ट रिपीटर दैट कनेक्ट मल्टीपल वायर्स फ्रॉम डिफरेंट ब्रांचेस। मान लो एक क्या है, कॉलेज में जो है हमें एक कंप्यूटर्स को अटैच करना है एक दूसरे से, तो हम कैसे कर सकते हैं? हम क्या करेंगे? एक हब को जो है अटैच कर देंगे और उन कंप्यूटर्स को जो है क्या करेंगे? हब से जो है अटैच कर देंगे, ठीक है। तो वो कंप्यूटर क्या होंगे? आपस में डिवाइड हो जाएंगे, अटैच हो जाएंगे। तो हब जो है इसलिए यूज़ किया जाता है। ऐसे ही ब्रिज होता है। ब्रिज इज डिवाइस दैट ज्वाइन एनी टू नेटवर्क और होस्ट सेगमेंट टुगेदर। ये दो नेटवर्क को ज्वाइन करने के लिए होता है ब्रिज, ठीक है। ओके, नेटवर्क एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए होता है। स्विच जो है कुछ कुछ हब जैसा ही होता है, लेकिन ये ज़्यादा क्या कहते हैं उसको, स्मार्ट होता है हब से, ठीक है। स्मार्ट डिवाइस मानी जाती है स्विच एक्चुअल में। मॉडेम क्या होता है? मॉडेम होता है मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन, इसमें दो टर्म आती हैं, ठीक है। ये एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में या डिजिटल को एनालॉग में चेंज करने के लिए हम जो है मॉडेम का यूज करते हैं। तो मॉडेम आर डिवाइस दैट ट्रांसफॉर्म डिजिटल सिग्नल इनटू द फॉर्म ऑफ एनालॉग सिग्नल आर ऑफ वेरियस फ्रीक्वेंसीज। और गेटवे होता है, द गेटवे इज ए पैसेज दैट इंटरलिंक टू नेटवर्क्स टुगेदर, ठीक है। दो इंटरनल को जो है कनेक्ट करता है, ठीक है। तो गेटवे जो है यहाँ पे हो जाएगा, ठीक। चलिए
ओके अगला क्वेश्चन इसने पूछा वो कौन सी मेमोरी यूनिट है जो कि कम्युनिकेट करती है डायरेक्टली विद द सीपीयू, जो सीपीयू के साथ डायरेक्टली जो है क्या करती है कम्युनिकेट करती है। देखो सीपीयू के साथ अगर आप देखेंगे तो सीपीयू के साथ जो डायरेक्टली कनेक्ट होती है वो होती है प्राइमरी मेमोरी, ठीक है, या मेन मेमोरी आप कह सकते हैं। क्या हो सकते हैं, इसको मेन मेमोरी बोलो या इसको प्राइमरी मेमोरी बोलो, ये तो मेन हो जाएगा यहाँ पे। ऑक्सिलरी मेमोरी इज ऑल्सो कॉल्ड सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी में क्या आ जाएगा, हार्ड डिस्क है, ठीक है, पेन ड्राइव है, ये सारे किस में चले जाएंगे, सेकेंडरी में चले जाएंगे, ठीक है, बैकअप तो होता ही नहीं है। कैशे मेमोरी क्यों यूज़ की जाती है, देखो कैशे मेमोरी सीपीयू को प्रोसेसिंग करने के लिए जो है मेमोरी से डाटा चाहिए होता है, और जब वो मेमोरी से डाटा चाहिए होता है उसको तो वो मेमोरी से सीपीयू में पहुंचने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो उसी टाइम को कम करने के लिए हम इन दोनों के बीच में जो है कैशे मेमोरी को जो है क्या कर देते हैं, लगा देते हैं। और फिर उसमें क्या होता है कि कुछ डाटा हम कैशे मेमोरी में रखते हैं और जब भी जो है सीपीयू को डाटा चाहिए होता है तो वो कैशे मेमोरी से लेता है, और कैशे मेमोरी से जब वो डाटा लेता है तो बहुत स्पीडली लेता है, ठीक है, तो मतलब उसमें उसका जो टाइम होता है ना वो सेव हो जाता है, टाइम ज़्यादा नहीं कंज्यूम होता है। बट मेन मेमोरी से डाटा उठाने में डाटा उठाना एक स्लो प्रोसेस आप कह सकते हैं हो जाती है, इसीलिए जो है कैशे मेमोरी का यूज़ किया जाता है। तो ये नहीं कह सकते हैं कि कैशे मेमोरी जो है वो डायरेक्ट कनेक्ट होती है इससे, नहीं, वो हम प्लेस करते हैं, बट यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो सीपीयू डायरेक्टली जो कनेक्ट होता है वो सिर्फ मेन मेमोरी से होता है, याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, डैश इज ए हाई स्पीड डिवाइस यूज्ड इन सीपीयू दैट इज यूटिलाइज टू स्टोर डाटा टेम्परेरली ड्यूरिंग प्रोसेस। ओके, इनमें से हाई स्पीड डिवाइस है, ओके, जो कि सीपीयू के द्वारा यूज की जाती है क्या करने के लिए, डाटा को स्टोर करने के लिए, और कैसे, टेम्परेरली नॉट परमानेंट, टेम्परेरली अस्थायी रूप से डाटा स्टोर हो रहा है, तो कौन सी मेमोरी। देखो एक्सिलरी मेमोरी को हम क्या बोलते हैं, अभी मैंने ऊपर बताया आपको, एक्सिलरी मेमोरी को आप सेकेंडरी मेमोरी भी बोलेंगे। कौन सी मेमोरी बोलेंगे, सेकेंडरी मेमोरी। एक रजिस्टर होता है, कंट्रोल यूनिट ये सीपीयू में होती है। सीपीयू में देखो अलग अलग पार्ट होते हैं, जैसे सीपीयू में एएलयू होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, और सीयू होता है। तो यहाँ पे तो मेमोरी में सीयू का काम ही नहीं है, तो इसको ऑप्शन को तो बिल्कुल हटा दो, एएलयू का भी नहीं है क्योंकि ये सीपीयू में होते हैं दोनों, ठीक है। इनमें से हाई स्पीड पूछी है जहाँ पे डाटा स्टोर होता है, यहाँ पे सीयू और एएलयू में कभी डाटा स्टोर नहीं होता है। एएलयू का जो काम होता है वो प्लस माइनस करना होता है, या लॉजिक जो होता है इक्वल है या बड़ा है छोटा है, ये सारा काम एएलयू में होता है, कभी भी डाटा स्टोरेज के लिए हम इसको यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। कंट्रोल यूनिट मीन्स जो भी चीज़ें चल रही है कंप्यूटर में, जो भी ऑपरेशंस हो रही हैं उनको कंट्रोल करने का काम कंट्रोल यूनिट का होता है, और दोनों ही पार्ट होते हैं किसका, सीपीयू का। अब बात आती है ऑक्सिलरी मेमोरी और रजिस्टर की, तो इनमें से हाई स्पीड डिवाइस मैंने अभी ऊपर बताया कि जो रजिस्टर होते हैं सबसे हाई स्पीड माने जाते हैं, तो ये चार्ट आपको याद रखना है, यहाँ से बड़े क्वेश्चन आपके बनेंगे। सबसे पहले तो इंटरनल मेमोरी और एक्सटर्नल मेमोरी याद रखो, इंटरनल में रजिस्टर कैश और मेन मेमोरी आता है, और एक्सटर्नल में मैग्नेटिक ऑप्टिकल डिस्क और मैग्नेटिक टेप आता है। अगर हम स्पीड की बात करें तो स्पीड इस तरीके से इंक्रीज होती हुई ऊपर जाती है, ठीक है, मतलब सबसे कम स्पीड अगर हम देखें तो वो मैग्नेटिक टेप में होती है, फिर ऑप्टिकल डिस्क में होती है, फिर मैग्नेटिक डिस्क, फिर मेन मेमोरी, फिर कैश मेमोरी, और फिर सीपीयू रजिस्टर। यानी कि जो हाईएस्ट स्पीड होती है वो किसकी होती है, रजिस्टर की होती है, उससे कम स्पीड कैश मेमोरी की, उससे कम स्पीड मेन मेमोरी, उससे कम मैग्नेटिक डिस्क, और उससे भी कम ऑप्टिकल और फिर मैग्नेटिक टेप। ओके, तो इस तरीके से जो स्पीड है वो तो इंक्रीज होती है जाती है, लेकिन जो साइज होता है ना वो क्या होता है, डिक्रीज होता जाता है। जो सीपीयू का रजिस्टर होता है ना वो बिल्कुल उसमें की जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है, यानी कि चीजों को स्टोर करके रखने की जो क्षमता होती है वो सबसे क्या होती है, कम होती है, ठीक है। तो आपसे अगर आपसे पूछा जाए ना कि स्मॉलेस्ट मेमोरी कौन सी होती है, स्मॉलेस्ट, तो स्मॉलेस्ट मेमोरी हो जाएगी रजिस्टर, और अगर रजिस्टर ऑप्शन में नहीं है तो कैशे मेमोरी। सेम अगर यही चीज आपसे फास्टेस्ट मेमोरी पूछता तो रजिस्टर फास्टेस्ट मेमोरी हो जाती, और उसके बाद कैशे मेमोरी। तो ये याद रखना है कि सीपीयू रजिस्टर का जो साइज होता है वो सबसे कम होता है, फिर कैशे मेमोरी उससे थोड़ी सी बड़ी होती है, मेन मेमोरी उससे बड़ी होती है, मैग्नेटिक डिस्क उससे बड़ी होती है, ऑप्टिकल डिस्क उससे बड़ी होती है, और सबसे बड़ी अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा जो कैपेसिटी होती है, जो साइज सबसे ज्यादा जिस मेमोरी का सबसे बड़ा होता है वो मैग्नेटिक टेप का होता है, ठीक है। मतलब यहाँ पे आप सबसे ज्यादा चीजें जो है स्टोर करके रख सकते हैं। तो ये पूरा ग्राफ आपको याद होना चाहिए, और वो कैसे याद रख सकते हैं, आप इसको ट्रायंगल के फॉर्म में याद रख सकते हैं। ये आप एक देखो, एक ट्रायंगल जब आप शो करेंगे तो ये जब ऊपर जाएगा तो स्पीड इंक्रीज होती जाएगी, और यहाँ से जब आप इसको लिखते जाएंगे तो आपको पता चल रहा है कि मैग्नेटिक टेप में बहुत सारी जगह है, ऑप्टिकल डिस्क में इससे कम है, फिर मैग्नेटिक डिस्क में इससे कम हो जाएगी, मेन मेमोरी में इससे कम, कैशे मेमोरी में इससे कम, और सीपीयू रजिस्टर में आप देखेंगे तो बिल्कुल ही कम स्पेस रहेगा, ठीक है। तो स्टोरेज कैपेसिटी भी जो है ऐसे आप याद रख सकते हैं, ठीक। चलिए अगला इसने देखो पूछा कि कौन सा इनकरेक्ट है, ट्रोजन स्प्रेड थ्रू यूजर इंटरेक्शन सच एज ओपनिंग एन ईमेल,
अटैचमेंट और डाउनलोडिंग एंड एग्जीक्यूटिंग ए फाइल फ्रॉम इंटरनेट। देखिए क्या कह रहा है कि किस तरीके से जो है ट्रोजन स्प्रेड होता है। ओके, मान लो कोई आप ईमेल अटैचमेंट को ओपन कर रहे हो, तब आप ट्रोजन आ जाएगा। डाउनलोड कर रहे हो या एग्जीक्यूट कर रहे हो फाइल फ्रॉम द इंटरनेट, तो बिल्कुल ये ट्रोजन जो है इस तरीके से आ सकता है, तो ये ट्रू है। ओके, ट्रोजन लुक्स लाइक ए लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर, तो ये भी पॉइंट सही है। सम ट्रोजन क्रिएट बैकडोर टू गिव मेलिशियस यूजर एक्सेस टू द सिस्टम, तो ये भी सही हो जाएगा। ओके, ट्रोजन सेल्फ रेप्लीकेट कभी भी नहीं करता है, ठीक है, क्योंकि सेल्फ रेप्लीकेट हमने दो ही चीजें पढ़ी हैं, वायरस जिसमें ह्यूमन इंटरेक्शन की जरूरत होती है, और दूसरा था वॉर्म, ठीक है, जो वायरस से ज्यादा जो है तेजी से फैलता है वो वॉर्म होता है, जो सेल्फ रेप्लीकेट भी होता है और उसमें ह्यूमन इंटरेक्शन की जरूरत नहीं होती और वो खुद ब खुद जो है अपनी कॉपियां बनाता जाता है, ठीक है, तो ये वाला पॉइंट इससे रिलेटेड नहीं है, इनकरेक्ट है। ओके, चलिए, डैश डिस्प्ले ए लिस्ट ऑफ यूटिलिटी कॉन्फिगर द कंप्यूटर सिस्टम एंड इंस्टॉल सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, तो इनमें से कौन सा है जिसमें जो है हमें कंप्यूटर सिस्टम में कुछ भी इंस्टॉल करना है, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर वो सब जो है यहाँ पे डिस्प्ले होता है, तो ये कंट्रोल पैनल में होता है, ये सारी चीज़ें कहाँ पे होती है, कंट्रोल पैनल में होती हैं, ठीक। चलिए, ओके, उसके बाद है विच अमंग द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट लेजर प्रिंटर। देखिए प्रिंटर, सबसे पहले तो प्रिंटर याद रखो, प्रिंटर जो है ना क्या है, एक तरीके की आउटपुट डिवाइस होती है। आउटपुट डिवाइस क्या होती है, जिससे हम चीज़ें लेते हैं, ठीक है, जो चीज़ हम दे रहे हैं वो इनपुट हो जाएगी, जिसके थ्रू दे रहे हैं वो इनपुट डिवाइस हो जाएगी, जो चीज़ हम ले रहे हैं वो आउटपुट है और जिस चीज़ के थ्रू हम उसको ले रहे हैं वो आउटपुट डिवाइस हो जाएगी। जैसे प्रिंटर है, प्रिंटर में क्या होता है, कोई भी पेज जो है प्रिंट होके हमें मिलता है तो ऑब्वियसली वो क्या हो जाएगी, आउटपुट डिवाइस हो जाएगी। तो प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस होती है और दो तरीके का जो है प्रिंटर होता है। तो सबसे पहले तो इसके टाइप्स याद रखिए कि टाइप्स कितने तरीके के होते हैं, प्रिंटर दो तरीके का होता है, एक इम्पैक्ट प्रिंटर होता है तो दूसरा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। इम्पैक्ट प्रिंटर में भी अगर आप देखेंगे तो दो तरीके के प्रिंटर आते हैं, एक करेक्टर प्रिंटर आते हैं, यानी कि जो करेक्टर मतलब एक एक करके जो है करेक्टर प्रिंट करते जाते हैं, और एक लाइन प्रिंटर होते हैं जो लाइन को प्रिंट करते हैं। तो करेक्टर प्रिंटर कौन से हैं, डॉट मैट्रिक्स और डेजी व्हील, दोनों डी नाम के जो है ना वो क्या है, करेक्टर प्रिंटर है। उसके बाद देखो ड्रम प्रिंटर, चेन तो देखो एक लाइन की तरह होती है तो पता चल जाएगा कि ये लाइन प्रिंटर है। एक बैंड प्रिंटर होता है, बैंड प्रिंटर बहुत कम आपको देखने को मिलेगा, बेशक मत याद रखो, ड्रम और चेन याद रखो। ड्रम भी क्या होता है, एक लाइन प्रिंटर होता है, ठीक है। तो डी वाले तीनों ही क्या होते हैं, इंपैक्ट प्रिंटर में आते हैं, और साथ में सी डी दोनों याद रखिएगा, ड्रम प्रिंटर और चेन प्रिंटर, ये इंपैक्ट में आते हैं। नॉन इंपैक्ट में आप देखेंगे तो इंकजेट प्रिंटर आता है, लेजर आता है, और थर्मल प्रिंटर जो है आता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे पॉपुलर प्रिंटर है, जैसे एलईडी प्रिंटर हो गया, फोटो इंकजेट प्रिंटर है, मल्टी फंक्शन है, ऑल इन वन प्रिंटर है, ये ऑल इन वन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखना है। 3D प्रिंटर्स है, प्लॉटर है, तो ये कुछ पॉपुलर है, लेकिन मेनली इंपैक्ट और नॉन इंपैक्ट दो याद रखने हैं आपको। नॉन इंपैक्ट में इंकजेट, लेजर और थर्मल प्रिंटर आ जाएंगे। क्वेश्चन देखो अब क्या था कि कौन सा लेजर प्रिंटर के बारे में सही नहीं है। ओके, देखिए लेजर प्रिंटर जो है ये लेजर लाइट को यूज करता है फॉर प्रोड्यूसिंग डॉट्स टू फॉर्म करेक्टर ऑन ए पेज, ठीक है, डॉट्स प्रोड्यूस करता है ये लेजर लाइट से, तो ये पॉइंट बिल्कुल सही हो जाएगा। साथ में लेजर प्रिंटर जो होता है ना वो सबसे फास्ट स्पीड में होता है, तो फास्ट स्पीड भी होती है। ये सपोर्ट करता है मल्टीपल फॉन्ट एंड साइज को, ये भी सही है। क्या बट क्या प्रिंट कर सकता है मल्टीपल कॉपीज एट ए टाइम, नहीं, लेजर प्रिंटर कभी भी जो है मल्टीपल कॉपीज जो है नहीं करता है एट ए टाइम, ठीक है, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए शुरू के जो एक घंटा रहेगा इसमें कंसेप्ट हम साथ में पढ़ते चल रहे हैं तो इसीलिए टाइम लग रहा है, फिर बाकी के जो क्वेश्चन होंगे ना वो इन्हीं कंसेप्ट से पूछे जाएंगे तो इसीलिए फिर वो जल्दी हो जाएंगे, तो एक बार हम कंसेप्ट के साथ पढ़ लें चीज़ों को तो वो हमारे लिए ईजी हो जाएगी। अगला देखो, वही फिर से एम एस एक्सेल 365 का क्वेश्चन पूछा है इसने, पहले एम एस वर्ड का था 365 लिख के, अब एम एस एक्सेल 365। देखो एम एस एक्सेल 2000 आए, एम एस एक्सेल 365 आए, सारे रूल सेम मिलेंगे, कुछ डिफरेंट नहीं मिलेगा, तो ऐसा नहीं सोचना है कि कई चीज़ें जो है हर एक में अलग अलग होंगी, तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ देखो ये वाली चीज़ आपको अलग मिल सकती है कि किसी में होम की जगह पे पहले फाइल और एडिट होता था, ठीक है, फाइल और एडिट होता था, अब क्या है होम बटन है, तो सिर्फ ये छोटा सा डिफरेंस है, अदरवाइज कोई खास डिफरेंस इसमें नहीं है। बाकी सारे जो भी टैब्स हैं वो एज इट इज़ हैं और उनका काम भी वही है। तो क्या कह रहे हैं, इन एम एस एक्सेल 365 विच ऑफ द फॉलोइंग अपीयर अक्रॉस द टॉप ऑफ द स्क्रीन, टॉप ऑफ द स्क्रीन पे जो होता है, एंड बिलो द टाइटल बार। देखो ये तो टॉप ऑफ द टाइटल बार, जो सबसे ऊपर आप देख रहे हैं ना, ये जहाँ पे डॉक्यूमेंट लिखा हुआ, ये होता है टाइटल बार, ठीक है, क्या होता है टाइटल बार जो है ये होता है। ये क्या कह रहा है, क्रॉस द टॉप ऑफ द स्क्रीन एंड बिलो द टाइटल बार, जो टाइटल बार के नीचे होता है ये वाली चीज,
स्क्रीन के ऊपर और टाइटल बार के नीचे जो होता है, जिसपे कमांड होती हैं, फॉर्मूले होते हैं, फीचर्स होती हैं टू क्रिएट स्प्रेडशीट, स्प्रेडशीट को क्रिएट करने के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ना, देखो कट कॉपी पेस्ट का ऑप्शन है, फिर बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन का ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। फिर यहाँ पे अलग अलग पेजेस के स्टाइल दिए गए हैं। तो ये जो चीज़ है इसको हम क्या बोलते हैं, ये हमसे पूछ लिया, क्या इसको हम रूलर बोलेंगे, क्या हम इसे स्क्रोल बार बोलेंगे, रिबन, या देखो ये जो पूरा होता है ना, ये जो आप दिखाई दे रहा है इसको हम रिबन बोलते हैं, ये वाली चीज़, ये क्या कहलाती है, रिबन। रिबन में फिर अलग अलग कमांड्स जो हैं होती हैं, तो ये रिबन कहलाती है, तो रिबन हम इसको बोलेंगे। स्टेटस बार जो होता है ना, वो नीचे जो होता है ना, जहाँ पे आप स्टार्ट का बटन देखते हो ना, स्टार्ट का, ठीक है, जब कभी अब अगर आपने कंप्यूटर चलाया तो स्टार्ट का जो बटन होता है ना, जो नीचे वाली जो सबसे चीज़ मिलेगी स्क्रीन के बिल्कुल नीचे जो होती है, उसको हम स्टेटस बार जो है बोलते हैं, ठीक है। ऊपर वाला जो सबसे ऊपर रहेगा वो टाइटल बार रहेगा, ओके। स्क्रोल बार क्या होता है, ये स्क्रोल करने के लिए जो साइड में होता है ना, ऊपर नीचे जाने के लिए स्क्रोल करने के लिए, वो स्क्रोल बार होता है। एक रिबन होता है, रिबन बिल्कुल नीचे होता है स्क्रीन पे, 1 2 3 करके कुछ लिखा होता है उसमें, इधर उधर करने के लिए, ये साइड साइड करने के लिए, वहाँ वो रूलर होता है। तो रिबन ये वाली चीज़ यहाँ पे हो जाएगी, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, जो इनकरेक्ट है वो बतानी है। कैशे मेमोरी कीप द प्रोग्राम दैट कैन बी रन इन शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम, बिल्कुल ये सही है, ठीक है, यही बोला है मैंने, शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम में क्या हो जाता है, रन कर देता है वो, टाइम बहुत कम लेता है कैशे मेमोरी। कैशे मेमोरी स्टोर डाटा इन परमानेंट यूज, तो बिल्कुल ठीक है, नहीं सॉरी, कैशे मेमोरी परमानेंट कहाँ से होगी, टेम्परेरी यूज के लिए यूज की जाती है, टेम्परेरी। देखिए परमानेंट स्टोरेज के लिए तो हम मेन मेमोरी ही यूज करते हैं, बाकी चाहे कैशे मेमोरी हो या रजिस्टर हो, ये क्या होती है, टेम्परेरी यूज के लिए, टेम्परेरी डाटा को स्टोर करने के लिए यूज की जाती है। देखिए साइज ऑफ कैशे बिल्कुल स्मॉल होता है और फास्टर होती है मेन मेमोरी से, ये वाला पॉइंट भी सही है, बट ये डाटा को परमानेंट यूज के लिए जो है स्टोर नहीं करती है, टेम्परेरी यूज के लिए स्टोर करती है, बस ये वाली चीज इसमें इनकरेक्ट हो जाएगी। चलिए अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कीबोर्ड शॉर्टकट टू रीलोड द करंट पेज इन गूगल सर्च इंजन। देखो सबसे पहली चीज तो याद रखनी है कि कितनी फंक्शन कीज होती हैं, कीबोर्ड में जो है 12 फंक्शन कीज होती हैं, कितनी होती हैं, 12 फंक्शन कीज होती हैं, और इन सारी की सारी F1 से लेकर F12 तक की फंक्शन कीज का वर्क आपको पता होना चाहिए। तो ये भी मैंने ऐड किया हुआ, ये रहा, देखो देखिए जब हम F1 प्रेस करते हैं तो वो क्यों प्रेस करते हैं, जब हमको कोई हेल्प चाहिए होती है, ठीक है। F2 रीनेम रीलोड करने के लिए, रीनेम रीलोड, रीलोड अगर हमें करना है तो हम F2 प्रेस करते, कुछ सर्च करना है तो F3 करेंगे, शट डाउन या क्लोज करना है, ठीक है। देखो एक तरीका तो क्या है, आप स्टार्ट पे जाओ और वहां पे जो है फिर उसको शट डाउन करने का ऑप्शन होता है या क्लोज करने का, या फिर एक ऑप्शन है कि आप सीधा जो है F4 को जो है प्रेस करो और आपका जो भी सिस्टम होगा वो शट डाउन हो जाएगा या क्लोज हो जाएगा। F5 रिफ्रेश करने के लिए, रिफ्रेश कई बार देखो क्या होता है, कोई पेज आप खोलते हो, मान लो गूगल में ही कोई पेज आपने खोला और नेट बंद कर दिया है, ठीक है, वापस से जब आप नेट बंद नहीं करेंगे तो वही पेज आपको खुला हुआ मिलेगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप नेट ऑन करके क्या करोगे, उसे क्या करोगे, वापस से उसको रिफ्रेश करोगे, तो उसमें कुछ और चीज़ें जो होंगी वो आनी शो हो जाती हैं। तो इस तरीके से जब हमें करना है तो हम क्या प्रेस करें, ठीक है, एक तो रिफ्रेश करने का इस तरीके से एक बटन होता है, मतलब वहाँ पे दिया गया होता है, उस पे हम ट्राई वो करते हैं तो वो रिफ्रेश हो जाता है, या फिर F5 को प्रेस कर सकते हैं, और स्लाइड शो के लिए भी F5 का यूज़ किया जाता है, ओके। एड्रेस बार को हाईलाइट करने के लिए F6 प्रेस करते हैं। स्पेलिंग एंड ग्रामर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, F7 याद रखना है, चेक स्पेलिंग एंड ग्रामर के लिए F7 को प्रेस किया जाता है। बूट मेन्यू के लिए F8 का हो जाएगा। बूटिंग दो तरीके से होती है, देखिए बूट मेन्यू, एक वार्म बूटिंग होती है और एक कोल्ड बूटिंग होती है, ठीक है, तो ये बूट मेन्यू हो जाएगा। रिमूव सिलेक्टेड, सिलेक्टेड आइटम को, मान लो मैंने कोई आइटम सिलेक्ट करके रख रखा है, मैं उसको रिमूव करना चाहती हूँ, तो मैं सीधा क्या करूँगी, F9 को प्रेस कर दूंगी, ठीक है, ओके। एक्टिव मेन्यू बार को जो है एक्टिव करना है MS Word में, तो F10 करेंगे, वहाँ पे जो क्या होगा, MS Word में जो भी मेन्यू बार होगा वो एक्टिव हो जाएगा। F11 जो है ये फुल स्क्रीन करने के लिए होता है, और F12 जो है सेव एज, अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट, F12 सेव एज करने के लिए, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया था, रीलोड करने के लिए, रीलोड कहो रिफ्रेश कहो, F5 का यूज किया जाता है, ठीक है। F1 हमने पढ़ा था किसके लिए, हेल्प के लिए, ये स्पेलिंग चेक के लिए, और F3 क्या था, F3 देखो किस लिए था, सर्चिंग के लिए। F3 का हम यूज़ क्यों कर रहे हैं, सर्चिंग के लिए कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अगला देखो, MS Excel में अगर मुझे ये डालना है कि सेल ऑफ कॉलम A एंड रो 10 इज टू बी रेफर्ड, ओके, एक चीज़ हमेशा याद रखनी है,
ज़्यादातर हम जब मैथ पढ़ते हैं तो हम हमेशा क्या लेके चलते हैं, रो और कॉलम लेके चलते हैं, लेकिन एमएस एक्सेल में हमेशा कॉलम को पहले लिखा जाएगा और रो को बाद में लिखा जाएगा। ये चीज़ याद रखनी है आपको। वो आपसे पूछ सकता है कि आपके पास मान लो 8 कॉलम है, ठीक है, या ए कॉलम, सॉरी पहली बात तो नंबर में होता ही नहीं है, कॉलम हमेशा ए बी सी डी इस तरीके से चलते हैं, ठीक है, ए बी सी डी, ए से जेड हो जाएगा, फिर ए ए हो जाएगा, फिर ए बी हो जाएगा, फिर ए सी हो जाएगा, तो कॉलम इस तरीके से चलता है, ठीक है। तो कॉलम का नाम इसने जैसे ए दे दिया और रो में 10 दे, 20 दे, 25 दे, तो वो हमेशा पीछे ही आएगा। और इसको शो करने का तरीका क्या है, ये दो जो कॉलम लगते हैं ना बीच में, ये जो है इसको दिखाने का तरीका होता है जब भी वैल्यू डालनी होती है किसी भी हमें कॉलम में। तो इसका मतलब क्या है कि कॉलम ए में और रो 10 है, रो 10 है, रो 10 है, रो 25 है, तो उसको हम ऐसे दिखाएंगे और उसमें जो भी वैल्यू डालनी होगी वो हम डालेंगे, ठीक है। तो इसको शो करने का तरीका ये होता है, हम पहले कॉलम लिखेंगे, फिर कोलन आएगा और फिर रो आएगा, तो कॉलम, फिर यहाँ पे कोलन का साइन और फिर रो, ये लिखने का तरीका जो है एमएस एक्सेल में होता है किसी भी सेल में वैल्यू को डालने के लिए, ठीक है। चलिए, वाइल डैश डाटा ट्रांसफर फ्रॉम द कस्टमर मशीन टू द सर्वर, ओके, जब भी हम डाटा ट्रांसफर कर रहे हैं कस्टमर मशीन से सर्वर में, देखिए दो चीज़ें होती हैं, एक होता है फाइल को डाउनलोड करना, फाइल को डाउनलोड करना, और दूसरा होता है फाइल को अपलोड करना। अब मैं मान लीजिए मैं यूट्यूब पे वीडियो जो है डालती हूँ, YouTube पे वीडियो मैं डाल रही हूँ, अब YouTube क्या कर रहा है, YouTube काम कर रहा है सर्वर का, और मैं क्या हो जाऊँगी वहाँ पे, क्लाइंट कह लो कस्टमर कह लो, मैं कर रही हूँ क्लाइंट का। तो क्लाइंट से जब भी सर्वर के पास कोई चीज़ जाएगी उसको बोला जाता है अपलोडिंग। तो मैंने जो YouTube पे वीडियो डाली है उसको क्या बोलूँगी कि मैंने वीडियो अपलोड की है, कहाँ पे, YouTube पे, अपने चैनल पे, ठीक है। लेकिन अगर वहीं से मुझे कोई गाना पसंद आ गया, मुझे कोई मूवी पसंद आ गई, तो मैं क्या करूँगी YouTube में से, मैं क्या करूँगी कि मैं इसको बाद में देख लूँगी, तो मैं इसको क्या कर लेती हूँ, डाउनलोड करके रख लेती हूँ अपने फोन में, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है, सर्वर से जब कोई चीज मैं अपने ही सिस्टम में लेती हूँ, अपने कंप्यूटर में लेती हूँ, क्लाइंट साइड पे लेती हूँ, तो वो क्या हो जाएगी, डाउनलोडिंग हो जाएगी। तो यहां पे क्या था, डाटा ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम द कस्टमर मशीन टू द सर्वर, कस्टमर की मशीन से सर्वर में हो रहा है डाटा, तो इसको डाटा अपलोडिंग बोलेंगे। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया कि मैंने अपने फोन में कोई वीडियो बनाई और उसे मैं यूट्यूब पर डाल रही हूं, तो वो डाटा अपलोडिंग हो जाएगी। और जब मैं यूट्यूब से कोई वीडियो अपनी डाउनलोड करूंगी तो वो क्या होगी, डाटा मतलब डाउनलोड करना हो जाएगा वो, ठीक है। तो यहां पे अपलोडिंग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओके। चलिए अगला देखिए, वीजीए, वीजीए की फुल फॉर्म बहुत पूछी जाती है, तो इसकी फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, वीडियो ग्राफिक्स एरे, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। कनेक्टर्स, वीजीए कनेक्टर्स होते हैं, आर दोज विच कनेक्ट टू द मॉनिटर, मतलब जो कनेक्ट करते हैं मॉनिटर को किससे, कंप्यूटर वीडियो कार्ड से, एंड हैज, तो इसमें कितने होल्स होते हैं ये पूछा गया था, तो इसमें 15 होल्स होते हैं वीजीए में, ठीक है। देखिए कुछ इस तरीके का होता है वीडियो ग्राफिक एरे कनेक्टर, तो इसमें ये जो होल दिख रहे हैं आपको, इन्हीं की जो है संख्या आपसे पूछी गई थी कि कितने जो है इसमें होते हैं, ठीक है। तो 15 जो है ये होते हैं, तो देखिए 5 यहाँ पे होते हैं, 5 बीच में और 5 नीचे की तरफ, ठीक है। टोटल कितने होते हैं, 15 होते हैं, 5 ऊपर भी 5 और नीचे भी 5, तो ये टोटल कितने होल्स हो जाते हैं, 15 हो जाते हैं, कुछ इस तरीके का ये दिखता है। चलिए आगे क्वेश्चन है, शेडिंग ऑप्शन इन एमएस वर्ड 365 यूज फॉर, जो शेडिंग ऑप्शन होता है एमएस वर्ड 365 में उसको के लिए क्यों यूज़ किया जाता है। देखिए शेडिंग ऑप्शन का यूज़ करते हैं चेंजिंग द कलर बिहाइंड द सिलेक्टेड, यानी कि जो टेक्स्ट मैंने जो है सिलेक्ट किया है उसके पीछे क्या कलर दिखाई दे उसको चेंज करने के लिए हम शेडिंग ऑप्शन का यूज़ करते हैं। सिलेक्टेड टेक्स्ट का कलर चेंज करने के लिए शेडिंग ऑप्शन नहीं होता है, ठीक है, और ना ही कलर अराउंड आएगा, कलर बिहाइंड द सिलेक्टेड टेक्स्ट को चेंज करने के लिए हम शेडिंग ऑप्शन, ठीक है। चलिए ये हो जाएगा, ओके। डैश कुकीज ट्रैक यू एंड एक्सपोज योर प्रिवेसी, कौन सी कुकीज है जो आपको ट्रैक कर सकती है और आपकी जो भी प्रिवेसी है उसको एक्सपोज कर सकती है, तो इनमें से कौन, देखिए कुकीज की अगर हम बात करें तो कभी आपने किसी वेबसाइट पे जब आप जाते हैं कोई भी वेबसाइट तो वो आपसे जो है कुकीज को एक्सेप्ट करवाता है, उससे क्या होगा आपकी जो भी जानकारी होगी जो भी आप कर रहे हैं वो सब का सब सारा डाटा उस सामने वाले के पास होगा जिसकी भी वो वेबसाइट है, ठीक है।
तो इसमें जो है अलग अलग तरीके की जो है होती है, 7 टाइप्स ऑफ कुकीज आती है वैसे। तो यहाँ पे देखिए HTTP कुकीज, एक परसिस्टेंट कुकी होती है, सेशन कुकी है, थर्ड पार्टी है, फ्लैश कुकी है, विजिटर कुकी होती है, प्रेफरेंस कुकी है, शॉपिंग बास्केट कुकी, ट्रैकिंग कुकी, अलग अलग तरीके की जो है कुकी जो है इसमें होती हैं। तो यहाँ पे आते हैं जो आपको ट्रैक कर सकता है और एक्सपोज करता है योर प्राइवेसी, इसको हम बोलते हैं थर्ड पार्टी कुकीज। क्या बोला जाता है इसको? थर्ड पार्टी कुकीज जो है बोला जाता है। ठीक, तो ये आपको याद रखना है। ओके, सेशन को जो है हम एक परसिस्टेंट हो गया, सेशन कुकीज को हम नॉन परसिस्टेंट क्या बोलते हैं, नॉन परसिस्टेंट कुकीज भी जो है बोलते हैं। और नॉन परसिस्टेंट सेशन कुकीज जो है आप कह सकते हैं एक मेमोरी की तरह होती है किसी भी वेबसाइट की, ठीक है, मेमोरी ऑफ वेबसाइट अगर आपसे पूछा जाए तो वो क्या हो जाएगी, सेशन कुकीज हो जाएंगी। ठीक है, ये क्या करता है, इंफॉर्मेशन जो भी होती है यूजर की, ठीक है, उसको स्टोर करके रखता है, चाहे उसने जो है उस ब्राउजर को बंद भी कर दिया लेकिन उसने जो भी चीज़ें यूज की, क्यों जो विजिट किया वहां पे, वो सब जो है स्टोर करके कौन रखता है, सेशन कुकीज रखता है। ओके, नहीं सॉरी, हाँ स्टोर करके रखता है, लेकिन अगर मान लो उसने उस ब्राउजर को क्या कर दिया, ऑफ कर दिया है, बंद कर दिया है, तो क्या होगा, जितनी भी जानकारी उसके पास आई थी वो सारी की सारी क्या हो जाएगी, फिनिश हो जाएगी, मतलब खत्म हो जाएगी। ओके, एक्सपायर हो जाएगी इमिडिएटली, जैसे ही वेब ब्राउजर बंद होगा, मतलब उस वेबसाइट से आप हटेंगे तो वो आपकी सारी जो भी वहाँ पे स्टोर था वो सब खत्म हो जाएगा। तो ये नॉन परसिस्टेंट होती है, ठीक है। परसिस्टेंट कुकीज में क्या होता है, ओके, ये देखो इसमें तो क्या होगा, जैसे ही ब्राउजर बंद हुआ, आपका जो भी डाटा वहाँ पे स्टोर रखा था, जो चीज़ें आपने देखी थी, विजिट की थी, वो डाटा उसके पास था, ठीक है, मेमोरी ऑफ वेबसाइट थी, लेकिन वो क्या हो गया, जैसे ही आपने उसको ब्राउजर को बंद किया वो खत्म हो गया, एक्सपायर हो गया। लेकिन परसिस्टेंट में क्या होता है, एक्सपायरी डेट होती है पहले ही, एक्सपायरी डेट जो है वो पब्लिशर के द्वारा सेट कर दी जाती है कि कितने टाइम तक जो है ये स्टोर करके इन चीज़ों को रखना है, ठीक है। परसिस्टेंट को आप परमानेंट कुकी भी जो है बोल सकते हैं, क्या बोलेंगे, परमानेंट, यानी कि इसमें जो है जो भी पब्लिशर होता है उसके बाद जो है एक एक्सपायरेशन डेट सेट होता है, ठीक है। तो मतलब उसमें ये नहीं है कि जैसे ब्राउजर बंद हुआ और वो जो है एक्सपायर हो जाएगा डाटा, नहीं होगा, वो सेशन में होगा, तो इसीलिए नॉन परसिस्टेंट, वो परमानेंट नहीं है। एक जॉम्बी है, जॉम्बी का मतलब क्या होता है, जॉम्बी कुकीज क्या होती है कि हमने जो है कोई चीज़ हमने जो है उसमें से हटा दी है सिस्टम में से, लेकिन उसके बावजूद क्या हो रही है, वो खुद ब खुद जो है क्रिएट हो जाती है। मतलब मैंने कोई चीज़ सिस्टम से डिलीट कर दी लेकिन वो क्या होगी, वापस से जो है खुद ही क्रिएट हो गई है। उस तरीके की जो भी प्रोसेस होती है या भी जो भी कुकीज़ होती है, इसको हम जॉम्बी कुकीज़ जो है बोलते हैं, ठीक है। जॉम्बीज आपने मूवीज़ देखी होंगी ना, जॉम्बी की, आप उनको मारते रहो वो क्या होंगे, वापस से ज़िंदा हो जाते हैं, तो सेम इनका है, मैंने वो डिलीट कर दिया लेकिन उसके बावजूद वो उसमें वापस से रिवाइव हो जा रही हैं, तो वो जॉम्बी कुकीज़ हो जाएंगी। एवर कुकीज़ आप इसको बोल सकते हैं, सुपर कुकीज़ को बोल सकते हैं, ठीक है, तो वो जॉम्बी कुकी होंगी। तो मेनली तो यही आती हैं। चलिए ये अगला पेपर आ गया है, इसमें देखिए, अब देखो क्वेश्चन वही आ रहे हैं बार बार किससे। अब मैंने ऊपर आपको बता दिया कि किसका क्या मतलब होता है सॉफ्टवेयर में, जो भी हमारी मैलिशियस सॉफ्टवेयर होते हैं, मालवेयर होते हैं। देखिए, वंस डैश हैज इन्फेक्टेड ए सब्सटेंशियल नंबर ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, इट जनरेट रिवेन्यू आइदर बाय डिस्प्लेइंग एडवर्टीजमेंट और यूजिंग पे पर क्लिक मैकेनिज्म टू चार्ज इट्स क्लाइंट्स अगेंस्ट द नंबर ऑफ क्लिक्स ऑन देयर डिस्प्ले। देखो एडवर्टाइजमेंट, देखो ज़्यादा जाने की जरूरत ही नहीं है, छोटे छोटे वर्ड्स को ढूंढो, एडवर्टाइजमेंट आ गया, तो मैंने कहा था जहाँ पे भी एडवर्टाइजमेंट आएगा एडवेयर हो जाएगा, ठीक है, जहाँ पर भी सेल्फ रेप्लिकेट होगा वर्म्स आ जाएगा, ठीक, जहां पे स्पाई से रिलेटेड आएगा, जासूसी आपकी कोई कर रहा है, स्पाई वेयर हो जाएगा। वायरस सेल्फ रेप्लिकेट है बट ह्यूमन इंटरेक्शन की जरूरत है, वहां पे वायरस आ जाएगा, ठीक है। चलिए, ईच सेल इन द वर्कशीट ऑफ MS Excel 365 आइडेंटिफाई बाय, देखो हर एक जो सेल होती है ना वर्कशीट में, ठीक है, वर्कशीट में जो सेल होती है उसको हम किससे जानते हैं, सेल रेफरेंस के नाम से जानते हैं। देखिए, जिसको MS ऑफिस पूरा डिटेल में पढ़ना है, वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगी, वहां जाके आप डिटेल में पढ़ सकते हैं अगर आपके पास टाइम है। अगर आपका एग्ज़ाम अभी नहीं है, कुछ टाइम है, तो मैं ये कहूँगी कि जाके उन वीडियोस को ज़रूर देखें, अगर आपने नहीं पढ़ा हुआ है तो। देखो पढ़ा हुआ है तो फिर तो बेस्ट है कि आप क्वेश्चन लगाओ, ठीक है, लेकिन अगर आपको टॉपिक की नॉलेज ही नहीं है
और देन आप आगे सीधे क्वेश्चन कर रहे हैं तो फिर सब आपके ऊपर से जाएगा। तो बेटर है पहले उस टॉपिक की आप नॉलेज ले लो, देन जो है आप आगे क्वेश्चंस को करो, ठीक है। फिर आपको पता भी होगा हाँ भाई एक्सेल रेफरेंस क्या होता है, या वर्कशीट क्या होती है, वर्कबुक क्या होती है एमएस एक्सेल में, ठीक है। इसमें रो क्या होती है, कॉलम क्या होती है, रो होती कितनी है, कॉलम कितने होते हैं, वो सब जो है जानकारी आपको वहाँ पर मिल जाएगी, ठीक। तो इसको हम सेल रेफरेंस बोलेंगे। देखिए डैश इज द ओल्डेस्ट टाइप ऑफ सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का जो है ओल्डेस्ट टाइप पूछा है। देखो अगर हम देखें तो जो हमारे सीपीयू आ रहे हैं वो सिंगल कोर के भी आ रहे हैं, क्वाड के भी, ड्यूअल के भी, ट्रिपल कोर के भी, लेकिन इसने ओल्डेस्ट, तो सबसे पहले जो सीपीयू आना शुरू हुए थे वो सिंगल कोर के थे, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं सिंगल कोर में कुछ ऐसा मिलेगा आपको, सिंगल, ड्यूअल है तो ये डबल हो जाएगा, क्वाड है तो चार हो जाएंगे, हेक्सा है तो कितने हो जाएंगे, छः हो जाएंगे, ओक्टा है तो आठ हो जाएंगे, डेका है तो दस, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। और सबसे पुराना जो रहेगा वो सिंगल कोर रहेगा, तो यही चीज़ इसने पूछी थी, तो सिंगल कोर हो जाएगा ये, ठीक है। चलिए विच अमंग द फॉलोइंग पोर्ट इज ऑल्सो नोन एज लाइन प्रिंटर पोर्ट, इनमें से कौन सा पोर्ट है जिसको लाइन प्रिंटर भी पोर्ट भी बोलते हैं। तो पैरेलल पोर्ट को जो है क्या बोलते हैं, पैरेलल पोर्ट, देखो पैरेलल ही चलता है ना, तो एक लाइन की तरह चल रहा है, तो वो लाइन प्रिंटर पोर्ट भी जो है इसको बोल सकते हैं आप, ठीक है। चलिए विच अमंग द फॉलोइंग डिवाइस इज ऑल्सो नोन एज विजुअल डिस्प्ले यूनिट, इनमें से कौन सी डिवाइस है जिसको विजुअल डिस्प्ले यूनिट बोला जाता है। तो मॉनिटर, मॉनिटर को वीडियो भी जो है बोला जाता है। मॉनिटर कैसी डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर कैसी डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है। स्कैनर और ट्रैक बॉल जो है ये कैसी है, इनपुट है। इसी में एक और नाम आता है प्लॉटर का, प्लॉटर कैसी डिवाइस है, आउटपुट। ये याद रखना है, स्कैनर जो होता है ना ये इनपुट होता है, और प्लॉटर जो होती है ना वो आउटपुट होती है, ठीक है। और प्रिंटर तो फिर है ही आउटपुट। देखिए मॉनिटर, इट इज नोन एज द विजुअल डिस्प्ले यूनिट, इट इज जनरली यूज टू डिस्प्ले द आउटपुट। मॉनिटर का यूज क्यों करते हैं, आउटपुट को डिस्प्ले करने के लिए। और जो रिजल्ट हम मॉनिटर की स्क्रीन पर देखते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, सॉफ्ट कॉपी ऑफ द आउटपुट। और जो हम प्रिंटर के थ्रू ले लेते हैं पेज पे, वो क्या होती है, वो हार्ड कॉपी होती है, ये याद रखना है। तो जो आपको मॉनिटर स्क्रीन पे दिखाई देगा वो सॉफ्ट कॉपी होगी। द मॉनिटर कैन डिस्प्ले वर्ड, पिक्चर, टेबल, नंबर्स, ग्राफ्स एंड चार्ट, इट कैन डिस्प्ले टेक्स्ट एज वेल एज ग्राफिक, मतलब टेक्स्ट को भी दिखा सकते हैं, ग्राफिक को भी। दो जो साइज होता है मॉनिटर का वो 14, 15, 17 कुछ भी हो सकता है। और इट कुड बी आइदर एन LCD, LCD की फुल फॉर्म याद रखनी है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, और CRT यानी कि कैथोड रे ट्यूब होती है, ठीक है। तो दोनों इसमें आपको याद रखनी है कि मॉनिटर वो LCD में भी आ सकता है और CRT में भी आता है, ओके। तो देखो वेरियस शेप और साइज में ये अवेलेबल होते हैं। जैसे सिंपल मॉनिटर है, सिंपल मॉनिटर जैसे आपको पता है पहले TV भी हमारे कुछ ऐसे ही आते थे, ठीक है, और मॉनिटर जो थे वो भी ऐसे ही आते थे, ये पीछे जो है इसका इस तरीके से निकला हुआ था, ओके। तो इसको ये बोलते हैं कैथोड रे ट्यूब, इसमें जो है ट्यूब होती है, यहाँ पे CRT होती है, ठीक है। तो ये कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर होते हैं, इट इज बिग इन साइज, इट डिस्प्लेज बोथ इन ब्लैक एंड व्हाइट एंड मल्टी कलर। देखो ब्लैक एंड व्हाइट में भी आते थे ऐसे ही जो TV वगैरह हम लेते थे, और ये मल्टी कलर में भी जो है आ सकते हैं, ठीक है। एक LCD मॉनिटर होता है कुछ ऐसा, पहले एक वाले मॉनिटर देखेंगे तो आप ऐसे मिलेंगे पीछे से, और फिर ऐसे मॉनिटर आने लगे जो बिल्कुल ऐसे क्या होते थे, इस तरीके से आप उसको रख सकते थे। इनको बोलते हैं हम लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, इट इज़ वेरी कॉम्पैक्ट इन साइज, साइज जो था वो कम हो गया है, और ये यूज़ करते हैं लिक्विड टू डिस्प्ले द आउटपुट। दीज मॉनिटर्स आर जनरली फाउंड इन लैपटॉप्स, ठीक है, लैपटॉप्स जो होते हैं ना कुछ ऐसी LCD वाले ही होते हैं। एक प्लाज्मा स्क्रीन होती है जो कि बहुत थिकनेस होते हैं, इट कैन ईजिली बी फिटेड ऑन ए वॉल, ठीक है, वेरी स्मॉल थिकनेस, मतलब बहुत पतले जो है ये होते हैं साइज में, और इसको जो है वॉल पे फिट भी जो है किया जा सकते हैं। तो बिल्कुल जैसे TV आपने देखे हैं, TV पहले बिल्कुल आप बैक देखेंगे तो बहुत बड़े होते थे साइज में, फिर थोड़े पतले आए, और अगर आप आज की TV देखेंगे तो जो इस पे लगाते हैं वो बिल्कुल क्या होते हैं, बिल्कुल पतले होते हैं, ठीक है, ठीक, और बड़े होते हैं। तो प्लाज्मा स्क्रीन कुछ ऐसी हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए तो हो गया हमारे यहाँ पे, तो यहाँ से ये पूछा गया था ना कि विजुअल डिस्प्ले यूनिट किसको बोलते हैं, तो मॉनिटर को बोलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट इज यूज्ड टू बुकमार्क द करंट वेब पेज ऑन द वेब ब्राउजर। ओके क्या पूछा इसने, कौन सी कीबोर्ड शॉर्टकट की है जो कि यूज की जाती है टू बुकमार्क द करंट वेब पेज ऑन द वेब ब्राउजर। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं Ctrl+D का, बुकमार्क करने के लिए वेब ब्राउजर में किसका यूज़ किया जा रहा है, Ctrl+D का। इटैलिक, आई से तो इटैलिक बनेगा, बी से बोल्ड बनेगा, और न्यू से न्यू डॉक्यूमेंट ओपन होगा, ठीक है।
विच अमंग द फॉलोइंग जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यूज द टेक्नोलॉजी ऑफ ट्रांजिस्टर, मतलब देखो पांच जनरेशन जो है कंप्यूटर के आई हैं, इसमें जो है पूछा गया जो ट्रांजिस्टर था वो किस जनरेशन में यूज किया गया, तो ट्रांजिस्टर हुआ सेकेंड जनरेशन। तो अब आपको ये वाली जो पूरी टेबल है वो याद रखनी है, ठीक है। देखिए पांच जनरेशन आई, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज हुई, ऑपरेटिंग सिस्टम कब यूज शुरू हुआ, लैंग्वेज कौन सी यूज हुई और उसका टाइम पीरियड क्या था, ठीक है। सबसे पहले जब हमारी फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर आती हैं तो उस वक्त जो कंप्यूटर का साइज होता था वो एक रूम के जितना बड़ा होता था, तो हम ये कह सकते हैं कि जो पहली जनरेशन के कंप्यूटर होते थे वो पोर्टेबल नहीं होते थे। पोर्टेबल का मतलब है कि हम जो है उसको कैरी कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे। तो जब देखो रूम जितना बड़ा कोई कंप्यूटर है तो उसको हम कैरी कर नहीं कर पाएंगे, ठीक है, तो वो क्या होंगे पोर्टेबल नहीं होते थे। और उसमें जो टेक्नोलॉजी यूज की गई वो वैक्यूम ट्यूब और एक और कई बार इसमें नाम दे दिया जाता है वॉल्व का, तो वैक्यूम ट्यूब और वॉल्व का जो था यूज किया गया था। कोई ऑपरेटिंग सिस्टम उस वक्त यूज नहीं किया जाता था और जो पहली लैंग्वेज जो उसमें यूज की गई थी वो मशीन लैंग्वेज जो है यूज की जाती थी। और टाइम पीरियड था इसका 1940 से लेकर 1956 तक जो थे फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के यूज किए गए। फिर आता है सेकेंड जनरेशन। जब सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर आई तो उस वक्त जो उनका साइज था वो पहले वालों से क्या हो गया कम हो गया था, ठीक है, और साथ ही जो उसकी स्पीड थी वो पहले वालों से क्या होगी इंप्रूव हो गया, यानी कि जो है इंप्रूव्ड वर्जन जो है इसमें आते रहे हैं। तो सेकेंड जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब का यूज ना करके ट्रांजिस्टर का यूज किया गया, क्योंकि वैक्यूम ट्यूब से कंप्यूटर क्या हो जाते थे ज्यादा हीट हो जाते थे, ठीक है, गर्म हो जाते थे, तो उसकी जगह पे किसको जो है रिप्लेस कर दिया गया वैक्यूम ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर को लेके आ गए। और यहाँ पे जो यूज हुई लैंग्वेज वो असेंबली लैंग्वेज यूज हुई थी और इसका जो टाइम पीरियड रहा वो 1956 से लेकर 1963 तक रहा, ठीक है। फिर आती थर्ड जनरेशन जिसमें आईसी चिप यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का यूज किया गया। ये चिप पूछी जाती है किसकी होती है, सिलिकॉन की जो है ये बनी होती है। और इसका आईसी चिप का आविष्कार किसने किया था, जैक किल्बी ने किया था, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। इसमें आईसी यूज की गई और ऑपरेटिंग सिस्टम जो सबसे पहले आया था वो थर्ड जनरेशन में ही आया था और हाई लेवल लैंग्वेज जो है यहाँ पे यूज की जाने लगी। और इसका जो टाइम पीरियड था वो 1964 से लेकर 1971 तक। फिर आता है फोर्थ जनरेशन जिसमें माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया गया और ऑपरेटिंग सिस्टम भी यूज किया गया और साथ में हाई लेवल लैंग्वेज थी और 1997 से लेकर प्रेजेंट तक, ठीक है। फिर आते हैं फिफ्थ जनरेशन जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड है, एआई बेस्ड है। तो आज की जनरेशन अगर हम देखेंगे तो वो एआई बेस्ड है, मतलब धीरे धीरे जो है एआई जो है आता जा रहा है, ठीक है। और प्रेजेंट एंड येट टू कम यानी कि अभी प्रेजेंट का टाइम और जो अभी टाइम आ रहा है वो एआई बेस्ड होगा, तो वो फिफ्थ जनरेशन होगी। और एक चीज याद रखनी है कि जो कंप्यूटर का साइज है ना वो धीरे धीरे क्या हो गया डिक्रीज होता चला गया, मतलब पहले के कंप्यूटर बहुत बड़े थे और आज का कंप्यूटर आप देखेंगे तो बिल्कुल आप हाथ में लेके भी जो है उन पर काम कर सकते हैं, मतलब इतने छोटे साइज के भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। एग्जाम्पल आप लैपटॉप ही देख सकते हो, एक पाम कंप्यूटर आते हैं, ठीक है, जो सिर्फ हथेली पे आपके आ जाएगा और उस पर आप काम कर सकते हैं। तो ये जो है मतलब इस तरीके से जो साइज है ना वो डिक्रीज होता चला गया, साइज डिक्रीज होता चला गया और कंप्यूटर की स्पीड जो है वो इंक्रीज होती चली गई। आज के कंप्यूटर जो है पहले के कंप्यूटर से बहुत स्पीडली काम करते हैं, ठीक है, तो ये याद रखना है आपको। तो वही इसमें क्वेश्चन पूछा था कि सेकंड जनरेशन में मतलब ट्रांजिस्टर किस जनरेशन में यूज हुआ है, तो सेकंड में। थर्ड जनरेशन में हमने क्या पढ़ा, आईसी चिप यूज हुई थी। फोर्थ जनरेशन में म्यूपी यानी कि माइक्रो प्रोसेसर यूज हुआ। फर्स्ट जनरेशन में हमने पढ़ा था क्या, वैक्यूम ट्यूब और एक और नाम मैंने आपको बताया था वॉल्व, इनका यूज जो था फर्स्ट जनरेशन में किया गया था, ठीक है। चलिए अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैथ एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अवेलेबल इन एमएस एक्सेल। देखिए एमएस एक्सेल में कौन सा मैथ और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अवेलेबल है, तो वो है एबीएस फंक्शन। कौन सा है, एबीएस फंक्शन। चलिए ओके आप देखिए इसमें दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट क्विक एक्सेस टूल बार इन एमएस वर्ड 2010। अब यहाँ पे 2010 डाल दिया, यहाँ पे वो 365 में तो खैर ये था नहीं ऑप्शन, 2010 में पूछा है कि कौन सा इनकरेक्ट होगा। देखिए सबसे पहले तो क्विक एक्सेस टूल बार क्या होता है, देखो ये ऊपर जो होता है ना टाइटल बार, यहीं पे एक बटन यहाँ पे दिया हो गया होता है आपको इस तरीके से एरो बना के, इसको बोलते हैं हम क्विक एक्सेस टूल बार। तो इसमें देखो न्यू होता है, कोई भी चीज़ नहीं ओपन करना है आपको डॉक्यूमेंट, कोई एग्जिस्टिंग ओपन करना है तो ओपन हो जाएगा, फिर कोई बनाया है तो उसको सेव करने के लिए, ईमेल करने के लिए, क्विक प्रिंट भी होता है, प्रिंट प्रीव्यू भी होता है, स्पेलिंग एंड ग्रामर का ऑप्शन होता है यहाँ पे, अनडू है, रीडू है, ड्रो टेबल है, ओपन रिसेंट फाइल है, मोर कमांड और शो बटन द रिबन है। तो ये सारे जो है इसमें होते हैं, वो भी इसमें पूछा गया कौन सा इनकरेक्ट है। देखिए फर्स्ट कह रहा है द क्विक एक्सेस टूल बार हैज सेव अनडू एंड रीडू बटन्स बाय डिफॉल्ट। देखो सेव भी है और अनडू रिडन भी है बाय डिफॉल्ट, तो ये तो वाला तो बिल्कुल करेक्ट है। अगला कह रहा है द क्विक एक्सेस टूल बार हैज कट अनडू एंड रीडू। देखो मैंने कहीं पे
कट नहीं पड़ा, अंडू रीडू तो पड़े हैं लेकिन कट नहीं था, तो ये वाला इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला है यू कैन प्लेस मोर बटन्स ऑन द, देखो मोर कमांड्स भी है यानी कि यहाँ पे कुछ और मोर बटन्स भी जो है आप डाल सकते हैं, तो बिल्कुल डाल सकते हैं, तो ये भी सही हो जाएगा। देर इज नो ऑप्शन ऑन क्विक एक्सेस टूल बार फॉर शो बिलो द रिबन, लेकिन यहाँ तो हम देख सकते हैं कि शो बिलो द रिबन इसमें शो हो रहा है, बट ये कह रहा है कि नो ऑप्शन ऑन क्विक एक्सेस, कि ऐसा कोई ऑप्शन होता ही नहीं है, बट ये भी क्या हो जाएगा गलत, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन होता है शो बिलो द रिबन, ठीक है, तो इसलिए ये भी गलत है। तो क्यू एंड एस जो है क्या हो जाएंगे इनकरेक्ट हो जाएंगे, तो ओनली क्यू एंड एस क्या होंगे इनकरेक्ट, यहाँ पे राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे इसने पूछा है डैश मेमोरी समटाइम यूज टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ प्रोसेसिंग बाय मेकिंग करंट प्रोग्राम एंड डाटा अवेलेबल टू द सीपीयू एट अ रैपिड रेट। देखो जब भी स्पीड को इंक्रीज करने की बात आएगी तो आंख बंद करके आपको कैशे मेमोरी लगा देना है, ठीक है, क्योंकि कैशे मेमोरी ही यूज की जाती है स्पीड को इंक्रीज करने के लिए। ठीक है, ठीक है, याद रखना है स्मॉलेस्ट एंड फास्टेस्ट मेमोरी है, और अगर क्वेश्चन में रजिस्टर भी दे दिया जाता है तो कैशे से भी स्मॉलेस्ट और फास्टेस्ट मेमोरी रजिस्टर है, और दोनों ही किसके लिए यूज़ होती है टेम्परेरी स्टोरेज के लिए यूज़ की जाती है, परमानेंट के लिए नहीं होती है। ठीक है, चलिए आगे देखिए विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, जो इनकरेक्ट है वो बताना है। देखिए राइट विंडो ऑफ द विंडो एक्सप्लोरर इज कॉल्ड नेविगेशन पेन, देखो जो लेफ्ट विंडो होती है ना ये वाली जो चीज शो कर रहे हैं लेफ्ट की, इसको हम नेविगेशन पेन बोलते हैं, जो राइट में होती है उसको हम नेविगेशन पेन नहीं बोलते कभी भी। ठीक है, तो ये यहीं पे गलत हो गया, यहाँ पे आना था द लेफ्ट विंडो ऑफ विंडो एक्सप्लोरर इज कॉल्ड नेविगेशन पेन। आगे देखिए नेविगेशन पेन इज टू अनेबल ईजियर नेविगेशन थ्रू विंडो एक्सप्लोरर, तो ये पॉइंट बिल्कुल सही है। ओके, नेविगेशन पेन में क्विक एक्सेस एरिया भी होता है, बिल्कुल होता है क्विक एक्सेस एरिया, ऊपर सबसे ऊपर देखेंगे आप तो क्विक एक्सेस यहाँ पे शो किया गया है, देखो ये रहा क्विक एक्सेस, देखिए ये रहा क्विक एक्सेस, तो यहाँ पे ये होता है। उसके बाद है फ्रॉम द नेविगेशन पेन यू कैन व्यू योर कंप्यूटर फाइल फोल्डर स्कैन एक्सेस फाइल एंड फोल्डर, बिल्कुल यहाँ से हम जो भी फाइल है फोल्डर है एक्सेस फाइल है वो सब देख सकते हैं इस नेविगेशन पेन से, तो ये भी सही हो जाएगा। बस ये एक ही गलत था, लेफ्ट राइट विंडो नहीं लेफ्ट विंडो आएगा ऑफ विंडो एक्सप्लोरर इज कॉल्ड नेविगेशन पेन। ठीक है, चलिए अगला देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग फॉन्ट इफेक्ट इज नॉट अवेलेबल इन एमएस वर्ड 2010 फॉन्ट डायलॉग बॉक्स, एमएस वर्ड में जो है फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में कौन सा जो है नहीं होता है ये पूछा गया था। देखो कौन कौन से इफेक्ट होते हैं, चार होते हैं, एक सब स्क्रिप्ट होता है, सुपर स्क्रिप्ट होता है, डबल स्ट्राइक थ्रो होता है और स्ट्राइक थ्रो होता है। देखो स्ट्राइक थ्रो का मतलब क्या होता है, फॉन्ट इफेक्ट कैसा मिलेगा कुछ ऐसा, ये होगा स्ट्राइक थ्रो, डबल स्ट्राइक थ्रो में ये डबल लाइन मिल जाएगी, डबल स्ट्राइक होके मिलेगा। सुपर स्क्रिप्ट मतलब पावर जब ऊपर दिखानी हो लाइक दिस उसमें, ठीक है, और सब स्क्रिप्ट जैसे जैसे मैंने लिखा फाइव का स्केल तो ये सुपर स्क्रिप्ट हो जाएगा, लेकिन इसी को अगर मैं लिखूँ नीचे इस तरीके से तो ये सब स्क्रिप्ट में हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है अफेक्ट। तो अब इसमें देखो स्मॉल कैप डबल स्ट्राइक थ्रो और सुपर स्क्रिप्ट जो है होता है, बट इक्वल करेक्टर हाइट जो है इसमें नहीं होता है, इक्वलाइज करेक्टर हाइट। देखो स्मॉल कैप ये रहा, देखो स्मॉल कैप्स मतलब जितने भी लेटर हैं वो स्मॉल उसमें जाएं, ऑल कैप्स और हिडन ये जो भी जो है होते हैं ये अफेक्ट होते हैं। कितने हैं देख सकते हैं आप, चार और तीन सात हैं, तो ये सात अफेक्ट होते हैं जिसमें से इक्वलाइज करेक्ट हाइट का कोई ऑप्शन नहीं होता है। ओके, इसमें फिर फॉन्ट तो ये देखो यहाँ बहुत सारे होते हैं, फॉन्ट को तो याद करने का कोई वो नहीं है, बट अफेक्ट कौन कौन से होते हैं ये आप याद रख सकते हैं। ठीक है, ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन कैन बी प्रेस्ड टू क्रिएट ए न्यू ईमेल मैसेज इन जीमेल, तो जीमेल पे देखो सबका अकाउंट होता है, कभी भी आप खोल के देखिएगा कि आपको अगर कोई ईमेल भेजना है तो सब कैसे भेजेंगे, कोई नया ईमेल भेज रहा तो कंपोज ईमेल का एक ऑप्शन होता है कंपोज, ठीक है, तो वहां पे जाके हम जो है ईमेल भेजते हैं। ठीक है, तो कंपोज आ जाएगा। डैश इज ऑल्सो नोन एज प्रोटोकॉल कन्वर्टर, इनमें से किसको प्रोटोकॉल कन्वर्टर कहा जाता है, तो गेटवे को जो है हम क्या बोलते हैं प्रोटोकॉल कन्वर्टर कहते हैं। इन वेब ब्राउजर विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्प्लेइंग द वेब पेज, वेब पेज को डिस्प्ले करने के लिए कौन सा वेब ब्राउजर जो है होता है। देखिए पहले क्वेश्चन आता था कि इनमें से कौन सा रिस्पॉन्सिबल है वेब पेजेस को डिस्प्ले करने के लिए, तो तब हम आंसर लगाते थे वेब ब्राउजर। ठीक है, अगर हमारे पास वेब ब्राउजर होगा तभी हम वेब पेज को डिस्प्ले कर सकते हैं, लेकिन वेब ब्राउजर के अंदर कौन रिस्पॉन्सिबल होता है तो वो हो जाएगा रेंडरिंग इंजन। ठीक है, सर्च इंजन में जैसे देखो गूगल वगैरह जो होते हैं ये सर्च इंजन होते हैं। ठीक है, बट यहाँ पे पेज इंजन नहीं होता, सर्वर तो होता ही नहीं। ठीक, तो यहाँ पे रेंडरिंग इंजन करेक्ट होगा। सम कुकीज आर ऑटोमेटिकली रिक्रिएटेड आफ्टर यूजर हैज डिलीटेड देम, दीज आर कॉल्ड, देखो अब ये आप खुद इसका आंसर सोचो कि मैंने क्या बताया था कि वो क्या होती हैं, डिलीट हो जाती हैं और वापस से अपने आप रिक्रिएट होती हैं, तो क्या बोलते हैं इसको, ज़ॉम्बी कुकीज। कुकीज हम ऊपर पढ़ चुके हैं,
ठीक है, तो वापस से उसको रिपीट करने का फायदा नहीं। तो इसलिए मैंने कहा कि पहले हमने कंसेप्ट पढ़ा है, अब हम क्वेश्चन पे जाएंगे, ठीक है। इसीलिए जो है शुरू में आपको ज़्यादा टाइम लगा और अभी हमने सिर्फ क्वेश्चंस को पढ़ते जाना है। ओके, डैश वायरस आर एम्बेडेड इन सिस्टम मेमोरी सो इट कैन बी रीएक्टिविटी इफ द ओरिजिनल वायरस इज डिलीटेड। तो मतलब ये क्या होते हैं, एम्बेडेड होते हैं सिस्टम मेमोरी में और रीएक्टिवेट हो जाती हैं अगर जब हम जो है ओरिजिनल वायरस को डिलीट कर देते हैं। तो इनको बोला जाता है रेसिडेंट वायरस, ठीक है। रेसिडेंट मतलब अपना घर बना लेते हैं वहां पे, डिलीट कर दिया तो वापस से क्या हो जाते हैं, रिट्रीव हो रीएक्टिवेट हो जाते हैं, तो वो रेसिडेंट वायरसेस हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए। डैश इज अ टाइप ऑफ डेडिकेटेड फाइल स्टोरेज डिवाइस दैट प्रोवाइड्स लोकल एरिया नेटवर्क यूजर विद सेंट्रलाइज्ड कंसोलिडेटेड डिस्क स्टोरेज थ्रू स्टैंडर्ड इथरनेट कनेक्शन। ये यहाँ पे देखो नेटवर्क की बात आ गई ना, तो नेटवर्क अटैच्ड स्टोरेज हो जाएगा, ठीक है। ये तो हमने क्या पढ़ी थी, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क और यूएसबी हार्ड ड्राइव और यूएसबी स्टिक्स, ये सॉलिड स्टेट ड्राइव में आती हैं। लेकिन बात जब भी नेटवर्क की आएगी ना, तो नेटवर्क अटैच स्टोरेज में जो है हमको जाना पड़ेगा, ठीक है। ऑप्शंस के साथ जाएंगे ऐसे। चलिए सेकेंडरी मेमोरी से रिलेटेड जो इनकरेक्ट है वो बात बताना है। ओके, कंप्यूटर मे रन विदाउट द सेकेंडरी मेमोरी। बिल्कुल, देखो सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, हार्ड डिस्क हो गया, सीडी हो गया, डीवीडी हो गया, ये अगर नहीं डालूं मैं, मान लो मैं अपने लैपटॉप में कंप्यूटर में इनको ना डालूं, तो क्या हमारा कंप्यूटर काम नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा, ठीक है। डाटा भी हम वहाँ पे स्टोर कर सकते हैं मेन मेमोरी में, लेकिन एक लिमिट हो जाएगी वहाँ पे फिर डाटा को रखने की, ये आप कह सकते हैं, ठीक है। तो ये हम एक्स्ट्रा स्पेस के लिए मतलब डाटा को स्टोर करके रखने के लिए जो है हम सेकेंडरी मेमोरी का यूज़ करते हैं। तो कंप्यूटर रन हो जाएगा विदाउट द सेकेंडरी मेमोरी भी, तो ये पॉइंट बिल्कुल सही है। क्या ये वोलाटाइल मेमोरी होती है? वोलाटाइल मेमोरी, देखो वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल दो तरीके की मेमोरी होती है, एक होती है वोलाटाइल और एक होती है नॉन वोलाटाइल। वोलाटाइल मेमोरी क्या होती है कि जैसे ही मैंने कंप्यूटर को बंद किया, मान लो मेरे सेकेंडरी जो स्टोरेज डिवाइस है वो अटैच है कंप्यूटर के साथ, और मैंने जैसे ही कंप्यूटर को बंद किया तो जो भी डाटा है वो सेकेंडरी स्टोरेज से रिमूव हो जाएगा, ये होता है वोलाटाइल। एक होता है नॉन वोलाटाइल, नॉन वोलाटाइल मतलब परमानेंट, स्थायी रूप से, और वोलाटाइल होता है अस्थायी रूप से। तो अब देखो मैं कोई चीज़ अपनी पेन ड्राइव में सेव करके रख लूँ, और मैंने अगर मैंने वो कंप्यूटर में भी लगा रखी है, लैपटॉप में भी लगा रखी है, तो अगर मैं लैपटॉप को बंद करूँगी तो क्या मेरी पेन ड्राइव में से डाटा चला जाएगा? नहीं जाएगा। वहाँ पे वो कैसे स्टोर है? परमानेंटली स्टोर है। तो पेन ड्राइव एक तरीके की सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस ही होती है, तो वहाँ पे डाटा नॉन वोलाटाइल होता है ना कि वोलाटाइल। तो इट इज ए नॉन वोलाटाइल मेमोरी आना था, ना कि वोलाटाइल, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ओके, बैकअप मेमोरी, बिल्कुल बैकअप मेमोरी इसको बोल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास देखो कंप्यूटर में जो मेन मेमोरी होती है उसकी एक लिमिट होती है डाटा को स्टोर करने के लिए। एक वक्त के बाद जो है हमारा जो भी वो होगी मेमोरी वो फुल होगी ही होगी, तो ऑब्वियस है हमें कहीं ना कहीं पे डाटा को बैकअप के रूप में स्टोर करना करके रखना पड़ता है। तो वहाँ पे जो है हमारा सेकेंडरी मेमोरी जो होती है, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस जो होते हैं वो काम आती हैं, तो ये बैकअप मेमोरी आप इसको बिल्कुल कह सकते हैं। और डाटा जो है यहाँ पे परमानेंटली स्टोर्ड होता है, इवन इफ पावर इज स्विच्ड ऑफ, बिल्कुल सही है, ठीक है। लेकिन जो वोलाटाइल होती है वहाँ पे जैसे ही पावर स्विच हो भी होगी वो डाटा क्या होगा, लॉस हो जाता है वोलाटाइल मेमोरी में, लेकिन नॉन वोलाटाइल में नहीं होता है। और जो सेकेंडरी मेमोरी होती है हमारी वो नॉन वोलाटाइल होती है। नॉन वोलाटाइल याद कर लो, स्थाई मेमोरी, परमानेंट हो जाएगी, ठीक है। डैश आर रूल्स दैट एग्जिस्ट एट सेवरल लेवल्स इन ए टेली कम्युनिकेशन कनेक्शन। ओके, टेली कम्युनिकेशन कनेक्शन, देखो नेटवर्क में जो है हम नेटवर्क में चीज़ों को सेंड करने के, रिसीव करने के लिए कुछ रूल्स होते हैं। उन रूल्स को क्या नाम दे दिया गया है, उन रूल्स को कहा जाता है प्रोटोकॉल। क्या कहते हैं? प्रोटोकॉल। तो प्रोटोकॉल्स आर रूल्स दैट एग्जिस्ट एट सेवरल लेवल्स इन ए टेलीकम्युनिकेशन कनेक्शन। मतलब हर एक लेवल पे जो है क्या होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, और वो रूल्स क्या कहलाते हैं, प्रोटोकॉल कहलाते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। ओके, विच अमंग द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट कैशे मेमोरी। जो कैशे मेमोरी के बारे में इनकरेक्ट है, देखो इट इज स्लोअर देन द मेन मेमोरी, गलत। बार बार मैं बता रही हूँ, मेन मेमोरी से ज़्यादा क्या होती है, फास्ट होती है। रजिस्टर से तो कम होती है, लेकिन मेन मेमोरी से ज़्यादा होती है। सबसे फास्टेस्ट मेमोरी रजिस्टर मेमोरी, और उसके बाद जो नंबर आता है वो कैशे मेमोरी का। वो जो मैंने ट्राइंगल वाली शेप बताई थी वो इसी के लिए थी, तो ये वाला जो है इसमें गलत हो जाएगा, बाकी सारे सही है। देखो इट एक्ट एज ए हाई स्पीड बफर बिटवीन सीपीयू एंड मेन मेमोरी। बिल्कुल, बफर का काम करती है ये सीपीयू और किसके बीच में, मेन मेमोरी के। क्योंकि जब सीपीयू मेन मेमोरी से डाटा लेता है तो वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, तो उसके बीच में हम क्या लगा देते हैं, कैशे मेमोरी को लगा लेते हैं। और जब भी सीपीयू को डाटा चाहिए होता है वो कैशे मेमोरी से लेगा। ओके, और वो जो है फिर फास्टेस्ट प्रोसेस जो है वो हो जाती है, तो बफर का काम करती है। इट स्टोर डाटा इन टेम्परेरी यूज़, ये पॉइंट भी बिल्कुल सही है। इट कीप्स द प्रोग्राम दैट कैन बी रन इन ए शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम, बिल्कुल सही है, ठीक है, तीनों पॉइंट सही है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मैग्नेटिक डिस्क। जो इनमें से मैग्नेटिक डिस्क नहीं है वो बतानी है। तो ये मैंने ऊपर आपको बता दिया था, फिर से आप देखना चाहें तो देख सकते हैं,
याद आ जाएगा, इसीलिए मैंने शुरू में ही जो है पूरा डाटा जो है लगा दिया था, क्योंकि क्वेश्चन वही आने हैं बार बार। ये देखो, देखो, एक थी सॉलिड स्टेट, ऑप्टिकल और मैग्नेटिक। सीडी डीवीडी ये मैग्नेट इसमें आती है, ऑप्टिकल डिस्क में, ठीक है। मैग्नेटिक में तो हार्ड डिस्क ड्राइव जो होती है ना, हार्ड डिस्क, वो आती है। और मैग्नेटिक टेप वगैरह देखो, उसमें तो फिर मैग्नेटिक लगा ही है, तो उसको क्या याद रखना है। तो सीडी और डीवीडी जो होंगी ना, वो ऑप्टिकल डिस्क होती हैं, ना कि मैग्नेटिक डिस्क। तो डीवीडी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी आप देखेंगे तो विनचेस्टर डिस्क हो, जिप डिस्क हो, डिस्क पैक हो, ये तीनों ही क्या होती हैं, मैग्नेटिक डिस्क होती हैं, याद रखना है। आगे भी क्वेश्चन हो सकता है ऐसा कुछ आ जाए, तो डीवीडी क्या हो जाएगी, नॉट अ मैग्नेटिक डिस्क, क्योंकि ये कैसी डिस्क है, ऑप्टिकल डिस्क है ये। कैसी डिस्क है ये, ऑप्टिकल डिस्क है, ठीक है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट की इज यूज टू क्लोज ए एमएस वर्ड 365 डॉक्यूमेंट। इनमें से जो डॉक्यूमेंट को क्लोज करने के लिए यूज किया जाता है, तो वो होता है ऑल्ट प्लस F4। याद रखिएगा, ऑल्ट प्लस F4 का जो है यूज किया जाता है डॉक्यूमेंट को क्लोज करने के लिए, ठीक है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग बटन नॉट प्रेजेंट इन क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार मैंने आपको दिखाया था, देखो कट का वहां पे कोई ऑप्शन नहीं था, कॉपी का वहां पे कोई ऑप्शन नहीं था, पेस्ट का वहां पे कोई ऑप्शन नहीं था। तो देखो इसमें आ गया पेस्ट, कॉपी नहीं आएगा, कट आ गया नहीं आएगा, अंडू रीडू और सेव तीनों थे बिल्कुल आ जाएंगे, नेम का कोई ऑप्शन वहां पे नहीं था तो अंडू रीडू हो जाएगा, ठीक है। अंडू रीडू थे, नेम नहीं था, तो सेव अंडू रीडू ये जो थे क्विक एक्सेस टूल बार में थे, जो मैंने ऊपर आपको दिखा दिया है, ठीक है। चलिए, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट सीपीयू। ओके, एक चीज और आपको ये नहीं सोचना है कि ये एग्जाम में नहीं आएगा, बिल्कुल डिट्टो ऐसा ही मिलेगा आपको, क्योंकि जैसा पेपर आपको पता है बाकी पूछे जाते हैं जीएस रीजनिंग, सेम वही डीएसएसबी में आते हैं। तो ऑब्वियस है, अगर कंप्यूटर को ऐड किया गया है तो ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको। मैं ये नहीं कह रही कि डिट्टो क्वेश्चन ये मिलेगा, लेकिन यहाँ से जब आप ऑप्शंस को पढ़ के जा रहे हैं तो आपको ये पता होगा कि हाँ भाई ये चीज़ जो है मैंने वहाँ पे पढ़ ली थी, ठीक है। तो ऑप्शन से जो है आप एलिमिनेट करके भी जो है वहां से आंसर निकाल सकते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट सीपीयू। जो सीपीयू के बारे में इनकरेक्ट है वो बतानी है। देखिए, कंट्रोल यूनिट, सीपीयू में दो चीजें जो आपको याद रखनी होती हैं, वो होती हैं ALU और CU, ठीक है। कंट्रोल यूनिट कंट्रोल द ऑर्डर इन विच इंस्ट्रक्शन एंटर एंड लीव द प्रोसेसर एंड हाउ द इंस्ट्रक्शंस आर एग्जीक्यूटेड। कंट्रोल यूनिट सब कुछ कंट्रोल करके रखता है, मतलब कौन सी ऑर्डर में जो है इंस्ट्रक्शंस एंटर हुई हैं, किस ऑर्डर में जो है उन्हें प्रोसेस किया गया है और कब जो है एग्जीक्यूट हो रही है, तो ये पूरा ऑर्डर जो है कंट्रोल यूनिट में होता है। तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है, ये पॉइंट यहाँ पे बिल्कुल सही है। दूसरा है, अर्थमैटिक लॉजिक यूनिट इज ऑल्सो नोन एज मैथमेटिकल ब्रेन ऑफ ए कंप्यूटर। बिल्कुल, मैं ऊपर आपको बता चुकी, ALU में जो भी प्लस माइनस यानी कि मैथमेटिकल जो वर्क होता है या लॉजिकल जो काम होता है, वो सब का सब ALU में होता है। लॉजिक में क्या आता है, जहाँ पे हम जो है इक्वल दिखाते हैं नंबरों को, छोटा बड़ा दिखाते हैं, ठीक है। ये होता है इक्वल की 5 इक्वल टू 5 या 5 ग्रेटर देन 4, ठीक है। ये जब हम ट्रू फॉल्स वाली चीज़ें करते हैं, लॉजिक वाली चीज़ें करते हैं, वो सब ALU में होता है, ठीक है। तो इसीलिए इसको मैथमेटिकल ब्रेन ऑफ कंप्यूटर बोला जाता है। कंट्रोल यूनिट डायरेक्ट एंड मैनेजेस ऑपरेशन सीक्वेंसेस, तो ये ऊपर आपको पता ही चल रहा है, जिस उसमें जो है वो एंटर हुई है, जैसे एग्जीक्यूट होती है, तो वो सारी सीक्वेंस जो है कंट्रोल यूनिट के पास होती है, ठीक है। तो ये भी सही हो जाएगा, तो तीनों पॉइंट सही है। चौथा गलत क्यों है देखते हैं। ओके, ALU जो है वो रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग द इनपुट, कन्वर्टिंग इनटू ए सिग्नल एंड स्टोरिंग इनटू फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। नहीं, कभी भी नहीं, ALU जो है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। ओके, ALU जो है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है कि वो इनपुट को ले रहा है देन उसको कन्वर्ट कर रहा है। प्रोसेसिंग का जो भी काम होता है वो CPU का होता है, प्रोसेसिंग का काम CPU का होता है, बट इसको वो इनपुट को ले रहा है फिर उसको कन्वर्ट कर रहा है, स्टोर कर रहा है फर्दर प्रोसेसिंग के लिए, ये ALU का काम नहीं होगा। ALU का काम सिर्फ प्लस माइनस लॉजिक को देखना, यही काम होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा। देखो, डैश इज अ रीडिंग डिवाइस, एक रीडिंग डिवाइस है जिसको जिसमें रीड किया जाता है प्रिंटेड टेक्स्ट को बाय स्कैनिंग इट करेक्टर बाय करेक्टर, स्कैन करके कैसे करेक्टर बाय करेक्टर। सबसे पहले यहाँ पे डिजिटाइजर दिया गया है। डिजिटाइजर क्या होता है, डिजिटाइजर को आप डिजिटल क्या बोल सकते हैं, डिजिटाइजर टैबलेट बोल सकते हैं, या आप इसको ग्राफिक टैबलेट भी बोल सकते हैं। मतलब इस पे जो है जो स्टाइलस होता है ना, स्टाइलस उससे जो है वर्क किया जाता है,
स्टाइलस से जो है हम ड्रॉ करते हैं, जैसे पेपर पे इमेज ड्रॉ करते हैं ना, वैसे ही इमेज जो है हम डिजिटाइजर पे, एक तरीके का टैब होता है जिसपे हम स्टाइलस के द्वारा जो है चीज़ें जो है उस पर बनाते हैं, ठीक है। देन मीन्स जो भी हम ड्रॉ करेंगे, जो भी इन्फॉर्मेशन या जो भी हमने ड्रॉ किया, वो इनपुट करके जो है वो कंप्यूटर पर जो है आउटपुट के रूप में जो है वो भेजी जाती है, ठीक है। तो वो इसका काम डिजिटाइजर का काम कुछ ऐसा होता है, मतलब ग्राफिक टैबलेट इसको आप बोल सकते हैं। तो ऑब्वियस है, इसमें तो स्कैनिंग का काम ही नहीं हो रहा करेक्टर बाय करेक्टर, तो ये तो नहीं होगा। मैग्नेटिक इंक करेक्टर कार्ड रीडर है ये, कार्ड रीडर। जो बैंक चेक आपने देखे होंगे, बैंक चेक पे जो जिस तरीके से जो है नंबर लगे होते हैं कुछ जिसको रीड किया जाता है बैंक के द्वारा, वो होते हैं मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर, ठीक है। मतलब जो बैंक चेक पे होता है ना, सबका अलग अलग होता है, ठीक है। तो वो मैग्नेटिक इंक कार्ड रीडर जो है उसका यूज़ करके जो है उसको पढ़ा जाता है, जो भी बैंक चेक पे नंबर्स होते हैं वो MICR यूज़ करते हैं। ट्रैक बॉल गेम्स खेलने के लिए यूज़ की जाती है। तो अब बचा क्या, ऑप्टिकल करेक्टर रीडर, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्टर बाय करेक्टर स्कैनिंग हो रही है और उसको रीड कर रहे हैं, तो ऑब्वियस है जिसमें करेक्टर आया है उसी को तो लिखेंगे, तो OCR। एक चीज़ और याद रखनी है, इनकी फुल फॉर्म पूछी जाती है, मैग्नेटिक इंक कार्ड रीडर होते हैं। यहाँ पे करेक्टर रिकॉग्निशन नहीं लिखना है, यहाँ पे कार्ड रीडर ही आएगा और OCR में ऑप्टिकल करेक्टर रीडर आएगा, ठीक है। चलिए अब इसमें पूछा, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, जो इनकरेक्ट है। देखिए, अपलोडिंग एक प्रोसीजर है जिसमें हम कॉपी करते हैं डाटा फ्रॉम द डिवाइस टू द वेब सर्वर, बिल्कुल सही। अपलोडिंग वही तो है जहां पे हम अपने सिस्टम से सर्वर पे, क्लाइंट जो है वो सर्वर को दे रहा है, तो वो अपलोडिंग है। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था कि मैं कोई वीडियो जो है यूट्यूब पर डाल रही हूँ, वो क्या है, अपलोडिंग है। डाउनलोडिंग इज ए प्रोसीजर ऑफ कॉपिंग फाइल फ्रॉम द वेब सर्वर टू द मशीन, बिल्कुल। मैं यूट्यूब से कोई वीडियो अपने सिस्टम में ले रही हूँ, अपने कंप्यूटर में ले रही हूँ, अपने फोन में कर ले रही हूँ, उसको डाउनलोडिंग बोलेंगे। दोनों ही पॉइंट बिल्कुल सही है। तीसरा है, डाटा ट्रेवल फ्रॉम यूजर डिवाइस टू द वेब सर्वर वाइल अपलोडिंग, मतलब डाटा जो है ट्रेवल होता है जब यूजर डिवाइस से वेब सर्वर पे, तो इसको ये अपलोडिंग होती है। तो ये भी पॉइंट सही है, वही पहले वाली ही जो है इसमें बात की जा रही है। ओके, मेमरी इज रिक्वायर्ड इन द वेब सर्वर टू डाउनलोडिंग एनीथिंग, ओके। जो है अगर हमें कुछ भी वेब सर्वर से डाउनलोड करना है, उसके लिए जो है मेमोरी जो है रिक्वायर्ड होती है, ऐसा नहीं है। देखो यूट्यूब से हमें जब डाउनलोड कर रहा होता है, तो हम डायरेक्ट उसमें डाउनलोड कर लेते हैं, मेमोरी की इसमें कुछ वो नहीं होती, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी, इनकरेक्ट हो जाएगी यहाँ पे फोर्थ। नेक्स्ट देखिए, डैक्स सर्वर एक्ट एज ए सेट ऑफ कंपोनेंट एसेसिबल टू द सॉफ्टवेयर डेवलपर थ्रू एन API डिफाइंड बाय द प्लेटफॉर्म इट सेल्फ, डाटाबेस, मेल, एप्लीकेशन सर्वर। ओके, एप्लीकेशन सर्वर एक्ट एज ए सेट ऑफ कंपोनेंट एसेसिबल टू सॉफ्टवेयर डेवलपर थ्रू एन API डिफाइंड बाय द एप्लीकेशन API। देखो API की फुल फॉर्म आपसे पूछ सकते हैं, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, ठीक है। तो ये एप्लीकेशन सर्वर यहाँ पे हो जाएगा। चलिए, ए डैश कैन आइदर भी मालवेयर और हार्डवेयर है, मतलब इनमें से जो है वो आइदर, वो तो या तो मालवेयर हो सकती है या हार्डवेयर हो सकती है। द मेन पर्पज ऑफ दिस मालवेयर इज टू रिकॉर्ड द कीज, देखो हार्डवेयर एक ही उसमें यूज कर रहे थे हम, कीबोर्ड। कीबोर्ड हमारा क्या है, हार्डवेयर। देखो सबसे पहले तो समझो हार्डवेयर क्या होता है, जिस भी चीज को हम कंप्यूटर में देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो हार्डवेयर होती है। तो चाहे आप कीबोर्ड ले रहे हो, चाहे आप CPU ले रहे हो, माउस ले रहे हो, मॉनिटर ले रहे हो, सब हार्डवेयर है। और जो आप कंप्यूटर के अंदर देखते हैं, MS Word, MS PowerPoint, ठीक है, Adobe, PDF रीडर जो भी होता है, वो सब क्या है, वो सब सॉफ्टवेयर है जिसको हम छू नहीं सकते हैं, ठीक है, जिसको हम महसूस नहीं कर सकते हैं, फील नहीं कर सकते, वो सॉफ्टवेयर है। तो यहाँ पे इसने यही बोला कि वो मालवेयर तो है ही, साथ में वो हार्डवेयर भी है, और जिसका मेन पर्पज होता है इस मालवेयर का, टू रिकॉर्ड द कीज प्रेजेंट की प्रेस्ड, की जो प्रेस कर रहा है यूजर ऑन द कीबोर्ड। तो ये क्या हो जाएगा, की लॉगर्स, जो मैं ऊपर आपको बता ही चुकी हूँ, ठीक है। ओके, चलिए, डैश विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज ए फ्लैश ड्राइव, इनमें से फ्लैश ड्राइव किसको कहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पेन ड्राइव को ही जो है किसके नाम से जाना जाता है, फ्लैश ड्राइव के नाम से भी जो है पेन ड्राइव को जानती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पक्का आएगा, किसी ना किसी एक शिफ्ट में आपको ये देखने को जरूर मिलेगा क्वेश्चन। चलिए अगला देखिए, विच कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मैच फंक्शन ऑफ MS Excel 2010। ओके, कुछ मैच फंक्शन जो है इसमें दिए गए हैं। देखिए P है, इट सर्चेज फॉर ए स्पेसिफाइड आइटम इन ए रेंज ऑफ सेल एंड देन रिटर्न द रिलेटिव पोजिशन ऑफ द आइटम इन द रेंज। द मैच फंक्शन सिंटैक्स इज मैच
लुकअप वैल्यू, लुकअप एरे और मैच टाइप। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, जो मैच फंक्शन है वो क्या करेगा, स्पेसिफाइड आइटम जो है, मतलब जो भी रेंज दी गई है सेल की, एंड मतलब सर्च करेगा उस रेंज ऑफ सेल तक, देन रिटर्न करेगा उसकी रिलेटिव पोजीशन ऑफ आइटम इन द रेंज, मतलब पहले तो वो सर्च करेगा उस रेंज में, फिर जो भी उसकी पोजीशन होगी उसको वो रिटर्न करेगा। तो मैच फंक्शन ये काम करेगा, तो ये पॉइंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ट्रू पूछा था इसने, तो ये पॉइंट सही है। सेकंड में क्या कह रहा है, जो मैच फंक्शन सिंटेक्स होता है वो कुछ ऐसा होता है कि इसमें लुकअप वैल्यू होती है, लुकअप एरे होता है और मैचअप टाइप होता है, तो ये वाला पॉइंट भी यहाँ पे बिल्कुल सही है। ओके, ऑल द आर्ग्यूमेंट इन ए मैच फंक्शन आर रिक्वायर्ड, नहीं देखो अगर मैं इसमें से वो मतलब जितने भी आर्ग्यूमेंट्स हैं अगर मैं वो सारे ना लूँ तब भी जो हमारा काम चल जाएगा। मैच में हमें सिर्फ वही देखना जो हम चाहते हैं देखना, सिर्फ वही देख सकते हैं, तो सारे आर्ग्यूमेंट्स हम ले मतलब ज़रूरी हों ऐसा नहीं है। तो ऑल द आर्ग्यूमेंट्स आर नॉट रिक्वायर्ड इन ए मैच फंक्शन, मतलब सारी रिक्वायर्ड नहीं होते हैं, तो ओनली पी एंड क्यू जो है सही हो जाएगी और आर जो है गलत हो जाएगा यहाँ पे। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज टू क्विकली क्रिएट ए न्यू ब्लैंक वर्कबुक इन एम एस एक्सेल 2010। अब देखो न्यू और ब्लैंक वर्कबुक हमें चाहिए, तो कंट्रोल प्लस न्यू हो जाएगा, कंट्रोल प्लस न्यू। देखिए ओल्ट और शिफ्ट बहुत कम आपको यूज देखने को मिलेगा, ज़्यादातर जो आपको मेन जो काम मिलेगा ना वो कंट्रोल प्लस करके ही मिल जाएगा। अभी आपको चाहे न्यू वर्कबुक पूछे, चाहे आपको न्यू डॉक्यूमेंट पूछे, चाहे आपको न्यू फाइल पूछे, न्यू जब भी आएगा ना कंट्रोल प्लस न्यू एन ही करना है, न्यू मतलब एन, कंट्रोल प्लस न्यू। अब चाहे वो वर्कबुक बोल रहा है आपको, चाहे आपको न्यू फाइल बोल रहा है, न्यू डॉक्यूमेंट बोल रहा है, कुछ भी बोल रहा है, कंट्रोल प्लस एन जो है आपको लगा के आना है। ठीक है, ओके, आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेट प्रोटोकॉल स्पेसिफाई हाउ डाटा इज एक्सचेंज ओवर द इंटरनेट, हाउ इट शुड बी ब्रोकन इनटू आईपी पैकेट्स। मतलब कौन सा प्रोटोकॉल है इंटरनेट पे जो कि क्या करता है, डाटा को एक्सचेंज करने के काम आता है, और ये ब्रोक मतलब जो भी डाटा होता है उसको ब्रोकन मतलब तोड़ देता है किस में, आईपी पैकेट्स में। ठीक है, इंटरनेट प्रोटोकॉल पैकेट्स में, तो इसके लिए यूज़ करते हैं टीसीपी। टीसीपी मींस ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ट्रांसमिशन देखो एक्सचेंज करना मतलब ट्रांसफर करना करने के लिए। ठीक है, ये हो जाएगा ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ओके, ये देखो टीसीपी और एक होता है यूडीपी, यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल, ये एक लेयर पे काम करते हैं जिसका नाम होता है ट्रांसपोर्ट लेयर। क्या नाम होता है, ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर मतलब ट्रांस एक्सचेंज करने का काम, ट्रांसपोर्ट करने का काम। तो इसमें दो याद रखने, एक ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और एक होता है यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल। तो जो भी एक्सचेंज करने का काम होता है ओवर द इंटरनेट जो कि आईपी पैकेट में ब्रोक कर देता है डाटा को, वो होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल यानी कि टीसीपी। ठीक है, अभी देखो इसमें अगर आप देखेंगे तो और प्रोटोकॉल भी दिए गए हैं, इसको अभी फुल फॉर्म आती है देखो प्रोटोकॉल की देख लेते हैं। ओके, ये देखो ये होती है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। देखो नाम से पता चल रहा है ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जब आपको क्या करनी है मेल सेंड करनी है, सेंड एन ईमेल, मतलब कोई जब आपको मेल सेंड करनी है तो हम कौन सा यूज करते हैं, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का जो है यूज किया जाता है। ठीक है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल नाम से पता चल रहा है। ओके ओके, नेक्स्ट इसमें है पीपीपी प्रोटोकॉल। पीपीपी प्रोटोकॉल की फुल फॉर्म क्या होती है, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। क्या होते हैं, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, और एचटीटीपी होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, अभी जो है आपको HTTPS भी मिल जाएगा तो उसमें बस सिक्योरिटी या सिक्योर जो है वो ऐड हो जाता है। ठीक है, मतलब उसमें सिक्योरिटी भी जो है साथ में दी जाती है, तो बस यही इतने इसमें याद रखना है। ठीक है, चलिए ओके, अगला देखिए, ए डैशबोर्ड ट्रांसमिट वन बिट ऑफ ए टाइम एट ए टाइम एज ए सिंगल स्ट्रीम ऑफ बिट, इट इज मीन फॉर ट्रांसफरिंग स्लो डाटा ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। मतलब इसमें जो डाटा हो रहा है ना वो क्या जा रही है, सिंगल बिट एट ए टाइम, सिंगल बिट, एक भेजी फिर दूसरी भेज रहे हैं फिर तीसरी भेज रहे हैं, तो सिंगल बिट जा रही है, तो इसको बोला जाता है सीरियल। सीरियल पोर्ट जो है ये ट्रांसफर करता है, पैरेलल पोर्ट जो है पैरेलली जो है डाटा को सेंड करते जाते हैं, पैरेलली, उसमें सिंगल बिट नहीं जाते, वन बिट नहीं जाती एट ए टाइम पे। ठीक है, तो ये सीरियल पोर्ट ट्रांसमिट करता है वन बिट ऑफ ए बाइट एट ए टाइम। ठीक, देखिए अगला, ए डैश इज ए कंटीजियस प्रोग्राम और कोड दैट अटैच इट सेल्फ टू अनदर पीस ऑफ सॉफ्टवेयर एंड रीप्रोड्यूस इट सेल्फ वेन द सॉफ्टवेयर इज
रन, तो वायरस हो जाएगा रिप्रोड्यूस इटसेल्फ, यानी कि वही रेप्लिकेट कर रहा है अपने आप से, तो अब यहाँ पे वायरस हो जाएगा। ओके, मतलब ये अटैच कर लेता है खुद को अनदर पीस ऑफ सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर के साथ ही, एंड देन रिप्रोड्यूस, फिर ये अपने आप को जो है रेप्लिकेट करता जाता है जब भी सॉफ्टवेयर रन होता है, तो इसको हम बोलते हैं वायरस। ठीक है, चलिए अगला देखिए। इन जी मेल वट डू यू यूज वेन यू रिसीव ए मेल एंड वॉन्ट टू सेंड द मेल इन रिस्पॉन्स ऑफ द सेम मेल एंड टू द ओरिजिनल सेंडर ओनली। ओके, क्या कह रहा है, इन जी मेल वट डू यू यूज, कि आप क्या यूज करोगे जब आप क्या कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं मेल को एंड वॉन्ट टू, और आप जो है सेंड करना चाहती हैं मेल इन रिस्पॉन्स ऑफ द सेम मेल, यानी कि कोई मेल आपको आया और आप जो उसका आंसर देना चाहते हैं, उसको रिस्पॉन्स देना चाहती हैं ओरिजिनल सेंडर को, तो आप क्या करेंगे, क्या फॉरवर्ड करेंगे। फॉरवर्ड क्या होता है, देखो जो हम चीज़ें व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे करते हैं लगभग वैसे ही काम करेगा, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, रिप्लाई करेंगे। ठीक है, फॉरवर्ड तो क्या होता है, कोई मैसेज आया आपको और उसको आपको किसी और के पास भेजना है। ठीक है, लेकिन इसमें ये नहीं है, इसमें क्या है, आपको किसी ने कुछ भेजा उसका आंसर आपको देना है, तो वहां पे तो आप रिप्लाई ही तो करोगे। उसको फॉरवर्ड कब करना होता है, जब उसी मैसेज को हमें एक बंदे को भेजना है या अलग से दो तीन बंदों को भेजना, वहां पे हम फॉरवर्ड का यूज करते हैं, करते होंगे आप। ठीक है, अगर आप व्हाट्सएप यूज करते हो, टेलीग्राम, तो फॉरवर्ड आपने किया होगा, कोई पीडीएफ आपके पास आई, ठीक है, तो आप वो अलग अलग जगह पे जो है सेंड कर देते हैं उसको, किसी भी ग्रुप में अगर आप ऐड हैं या किसी पर्टिकुलर पर्सन को आप जानते हैं कि हाँ भाई उसको ज़रूरत है इसकी, तो मैं उसके पास भेज देता हूँ कि मेरे को मिली है, तो मैं उसको आगे भेज देता हूँ, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, फॉरवर्ड करते हैं। ठीक है, या फिर कोई मैसेज है या कोई इन्फॉर्मेशन है जो हमें आगे भेजनी है किसी और को, ठीक है, तो वहाँ पे हम फॉरवर्ड यूज़ करते हैं। लेकिन हमसे कोई कुछ पूछ रहा है तो मुझे उसको जो है क्या करना है, रिस्पॉन्स देना है, तो मैं वहाँ पर क्या करूँगी, रिप्लाई दूंगी उस चीज का, तो रिप्लाई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए। विच अमंग द फॉलोइंग रजिस्टर इन इंस्ट्रक्शन साइकिल होल्ड द लास्ट इंस्ट्रक्शन फेच्ड, जो लास्ट इंस्ट्रक्शन फेच हुई है उसको जो है होल्ड करके रखता है। देखिए, होल्ड करके आ गया ना, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर हो जाएगा। ऊपर हम जब पढ़ रहे थे वही तो पढ़ा था हमने, जब भी वो होल्ड करने की बात आएगी इंस्ट्रक्शन को, तो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर आएगा। लास्ट इंस्ट्रक्शन जो है फैच होगी वो, ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है अभी हमें, मतलब एग्जीक्यूट नहीं करना चाहते, तब हम एक चीज़ों को प्लेस करना है, तो हम जो है बफर में जाते हैं, इंस्ट्रक्शन बफर रजिस्टर में। ठीक है, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर क्या था, जब हमें एड्रेस को जो है होल्ड करके रखना होता है। प्रोग्राम काउंटर क्या है, जब हम होल्ड करते हैं एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, या होल्ड करें हम एड्रेस ऑफ इंस्ट्रक्शन। ठीक है, जब इंस्ट्रक्शन का होल्ड कर रहे हैं एड्रेस, तो वो प्रोग्राम काउंटर हो जाएगा। जब हम मेमोरी का एड्रेस जो है होल्ड कर रहे हैं, वो मेमोरी एड्रेस रजिस्टर हो जाएगा। ठीक है, बफर कोई डाटा हम स्टोर कर रहे हैं, वो मेमोरी बफर रजिस्टर हो जाएगा। ओके, यहाँ पे होल्ड करनी है इंस्ट्रक्शन जो फैच करनी है, तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन रजिस्टर हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन। अगला देखिए, ए डैश इज ए नेटवर्किंग डिवाइस दैट फिल्टर नेटवर्क ट्रैफिक वाइल कनेक्टिंग मल्टीपल कंप्यूटर्स और कम्युनिकेटिंग डिवाइस। ये देखो फिल्टर करती है इसमें, देखो फिल्टर का मतलब क्या है, जहाँ पे हमें नेटवर्क में पता हो कि ये डाटा हमें इस यहाँ से इस डेस्टिनेशन पे भेजना है। ठीक है, वो होता है फिल्टर। ठीक, अभी अगर मैं बात करूँ ना, हब हो गया, हब जो है ना उसमें फिल्टर वाली क्वालिटी नहीं होती है, वो डाटा को क्या करेगा, डाटा को लेके जाएगा और कहीं से भी किसी को भी सेंड कर देगा, दो से तीन बंदों को या कितने भी बंदों को सेंड कर देगा, मतलब उसे नहीं पता होता है कि उसका जो मेन डेस्टिनेशन है वो कहाँ है। ठीक है, तो फिल्टर, इस वाली फिल्टर में क्या होता है, इसलिए मैंने आपको बताया था कि स्विच ना एक स्मार्ट डिवाइस होती है, जिसको पता होता है कि भाई उसको डाटा कहाँ पे सेंड करना है, यानी कि उसको अपने डेस्टिनेशन का पता होना है कि मुझे यहीं पे जाना है। लेकिन हब जो है थोड़ा बेवकूफ तरीके की डिवाइस होती है, जो कहीं पर भी डाटा को सेंड कर देती है, कितनों के पास भी कर देती है। ठीक है, तो इसीलिए जो है स्विच इज ए नेटवर्किंग डिवाइस दैट फिल्टर नेटवर्क ट्रैफिक, जो कि क्या करती है, फिल्टर करती है नेटवर्क ट्रैफिक को वाइल कनेक्टिंग मल्टीपल कंप्यूटर्स, मतलब मल्टीपल कंप्यूटर्स हैं और उसे पता है कि उसका डेस्टिनेशन क्या है, कि उसे किस कंप्यूटर पे पहुंचना है, और वो उसी पे पहुंचती है। ठीक है, स्विच, इसीलिए स्विच जो है कैसी डिवाइस है, स्मार्ट डिवाइस है। चलिए, विच अमंग द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट ओपन द प्रॉपर्टीज फॉर द सिलेक्टेड आइटम ऑन ए विंडो 10 स्क्रीन। देखो शॉर्टकट ओपन कर रही है प्रॉपर्टी, एक तो देखो एक तरीका तो क्या है, किसी भी प्रॉपर्टी को खोलने का हम राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी खोल लेते हैं, ये फिर कीबोर्ड शॉर्टकट की जो भी सिलेक्टेड आइटम है उसकी प्रॉपर्टीज अगर हमें खोलनी है, तो हम क्या प्रेस करेंगे, ऑल्ट और प्लस एंटर कर देंगे, ऑल्ट प्लस एंटर के द्वारा जो है हम प्रॉपर्टीज ओपन कर सकते हैं किसी भी सिलेक्टेड आइटम की। ठीक है, विच अमंग द विंडो कीबोर्ड शॉर्टकट कैन बी यूज टू ओपन विंडो एक्सप्लोरर, अगर विंडो एक्सप्लोरर को ओपन करना है तो उसके लिए क्या होती है, विंडो की प्लस ई, विंडो की प्लस ई से जो है हम क्या करेंगे, विंडो एक्सप्लोरर को ओपन कर सकते हैं। ठीक है,
चलिए। अगला देखिए, चलिए क्वेश्चन देखिए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग लाइन स्पेसिंग ऑफ ए पैराग्राफ इन एम एस वर्ड 2010। ठीक है, लाइन स्पेसिंग एक्चुअल में होता क्या है, जो लाइन्स है 1, 2, 3, 4 इनके बीच में जो गैप होती है, जगह स्थान मतलब जो गैप आता है, ठीक है, हर एक लाइन के बीच में, उसको हम लाइन स्पेसिंग, जैसे यहाँ पे 3 लाइन है तो इनके बीच में जो स्पेस दिया गया है उसी को जो है लाइन स्पेसिंग जो है बोला जाता है। ठीक है, तो अभी इससे इसके रिगार्डिंग ये जो है हमें पॉइंट्स को चुनना है। लाइन स्पेसिंग डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ वर्टिकल स्पेस बिटवीन लाइन्स ऑफ टेक्स्ट इन ए पैराग्राफ, या लाइन स्पेसिंग डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ डायगनल। तो यहाँ पे जो है लाइन स्पेसिंग डिटरमाइन करती है अमाउंट ऑफ वर्टिकल स्पेस, डायगनल स्पेस थोड़ी है, ठीक है, तो ये वर्टिकल स्पेस है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ओनली पी। ठीक है, अगला है डैश वॉज द फर्स्ट ब्राउजर टू डिस्प्ले इमेजेस इन लाइन विद टेक्स्ट इंस्टेड ऑफ डिस्प्लेइंग इमेजेस इन ए सेपरेट विंडो। ओके, तो पहला जो फर्स्ट ब्राउजर था वो कौन सा हो जाएगा, मोजैक हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट वेब ब्राउजर जिसमें क्या क्या डिस्प्ले कर सकते थे, इमेज को ऑनलाइन जो है डिस्प्ले किया जा सकता था विद टेक्स्ट इंस्टेड ऑफ डिस्प्लेइंग इमेजेस। ठीक है, डिस्प्ले कर सकते थे इमेज को, तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो मोजैक जो वेब ब्राउजर है वो हो जाएगा। ठीक, ओके, कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि फर्स्ट वेब ब्राउजर को किसने जो है डेवलप किया था, तो 1990 में इसको जो है टिम बर्नर्स ली ने जो था, टिम बर्नर्स ली ने जो है डेवलप किया था। ओके, फर्स्ट वेब ब्राउजर मोज़ेक हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग टाइप ऑफ कंप्यूटर इज नोन एज नोटबुक, इनमें से कौन सा है जिसको जो है नोटबुक भी कहा जाता है, मल्टी कोर लैपटॉप वर्क स्टेशन या माइक्रो। देखो, नोटबुक एक बुक की तरह होता है, तो लैपटॉप कंप्यूटर ही तो होता है जो कि किसके तरीके से होता है, नोटबुक की तरीके से होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे। माइक्रो कंप्यूटर तो देखो नोटबुक जैसे नहीं होंगे, बड़े रहेंगे, लैपटॉप से तो बड़ा ही होता है साइज, वर्क स्टेशन तो फिर बिल्कुल ही नहीं है, और मल्टी कोर भी नहीं होगा। चलिए अगला है, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इनकरेक्ट जो है बतानी है। देखिए, सबसे पहले हम जो है करेक्ट पढ़ लेते हैं। वेट, देखिए सबसे पहला पॉइंट ये कह रहा है कि मैग्नेटिक टेप ड्राइवर आर नॉट सुटेबल फॉर स्टोरेज ऑफ डाटा दैट नीड टू बी एक्सेस रैंडमली। ठीक है, देखिए मैग्नेटिक टेप ड्राइव्स का यूज़ ही स्टोरेज के लिए किया जाता है, तो नॉट सुटेबल तो आएगा ही नहीं, यही यहाँ पे गलती है। मैग्नेटिक टेप ड्राइवर क्या होते हैं, सुटेबल होते हैं फॉर स्टोरेज ऑफ डाटा। ओके, तो ये वाला जो है इसमें इनकरेक्ट हो जाएगा। सेकेंड है, देर इज़ नो एड्रेसिंग, कोई एड्रेसिंग नहीं होती मैग्नेटिक टेप में। मैग्नेटिक टेप कंसिस्ट ऑफ वर्टिकल कॉलम कॉल्ड फ्रेम्स, ये भी सही है। मैग्नेटिक टेप कंसिस्ट ऑफ हॉरिजॉन्टल रोज कॉल्ड चैनल और ट्रैक। मैग्नेटिक टेप जो होती है ये जो है हॉरिजॉन्टल रोल से बनती है, जिनको जो है चैनल या ट्रैक जो है कहा जाता है, तो कुछ इस तरीके से जो होती है। और यहाँ पे जो है क्या होती है, ट्रैक होते हैं, और ट्रैक ये इस तरीके से गोल गोल जो बनते जाएंगे वो ट्रैक होंगे, और ट्रैक के बीच में जो रहेगा उन्हें सेक्टर्स बोला जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट हो जाएगा यहाँ पे। देखिए, डैश रिकॉर्ड एवरीथिंग यू टाइप ऑन योर पीसी इन ऑर्डर टू ऑब्टेन योर लॉगिन नेम पासवर्ड एंड अदर सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन। कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, कि मतलब वो सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा है जो भी आप टाइप कर रहे हैं, चाहे अपना लॉगिन नेम है, जब मैंने बताया था कि चाहे आप अपनी आईडी को डाल रहे हैं, चाहे बैंक का नंबर डाल रहे हैं, पासवर्ड डाल रहे हैं, वो सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा है। कौन, की लॉगर्स। ठीक है, की लॉगर्स हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, इन एम एस वर्ड 365 कंट्रोल प्लस ई। अब देखो, कोई भी एम एस वर्ड पूछ ले, कंट्रोल प्लस ई क्यों होती है, क्या बताया था मैंने, सेंटर अलाइन करने के लिए। क्या होती है, सेंटर अलाइन के लिए। देखिए, राइट अलाइन द टेक्स्ट के लिए क्या हो जाएगी, कंट्रोल प्लस आर। ओके, डिस्प्ले द फाइल मेन्यू ऑप्शन, ओके, इसके लिए नहीं, जस्टिफाई करने के लिए कौन सी होगी, कंट्रोल प्लस जे, और अलाइन द सिलेक्टेड टेक्स्ट सेंटर करने के लिए कंट्रोल प्लस ई हो जाएगी। ओके, तो यहां पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। ठीक, और एक और रह गया यहां पे, लेफ्ट अलाइन के लिए, लेफ्ट अलाइन के लिए क्या रहेगा, कंट्रोल प्लस एल। लेफ्ट, राइट और सेंटर के लिए ई हो जाएगा, और जस्टिफाई के लिए जे हो जाएगा। ठीक है, चलिए, और यहाँ पे है डिस्प्ले द फाइल मेन्यू। फाइल मेन्यू ऑप्शन को अगर खोलना है तो ऑल्ट प्लस एफ कर सकते हैं इसमें। ठीक है,
अगला देखिए, डैश होल्ड एड्रेस ऑफ द एक्टिव मेमोरी लोकेशन। अब देखो एड्रेस किसका जा रहा है, मेमोरी का जा रहा है, ठीक है, तो मेमोरी एड्रेस रजिस्टर हो जाएगा। ओके ये रहेगा। डैश देखिए प्रोग्राम काउंटर इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, ये बताने की जरूरत नहीं क्योंकि मैं ऊपर आपको पहले ही बता चुकी हूँ ये चीज़ें, तो बार बार क्यों टाइम वेस्ट करना। डैश डिस्प्ले ए लिस्ट ऑफ यूटिलिटी कॉन्फिगर दैट कंप्यूटर सिस्टम एंड इंस्टॉल सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। पढ़ा था कंट्रोल पैनल, जो कुछ भी जो हम कर रहे हैं इंस्टॉल वगैरह वो सब जो है कंट्रोल पैनल में होता है। ओके नेक्स्ट देखिए, क्रिप्टो लॉकर इज ए फॉर्म ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। क्रिप्टो लॉकर जो है किसका जो है वो होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा रैनसमवेयर का जो है फॉर्म होती है क्रिप्टो लॉकर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट इनपुट डिवाइस। दो तरीके की डिवाइस होती है, इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस जिससे के द्वारा जो है हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं, और आउटपुट क्या होती है, जो हमें कंप्यूटर से मिलता है वो आउटपुट होता है। देखिए इनपुट डिवाइस क्या करती है, एक्सेप्ट करती है यूजर डाटा, बिल्कुल सही है। इनपुट डिवाइस आर ऑल्सो कॉल्ड एज पेरिफेरल डिवाइस। नहीं, सिर्फ इनपुट डिवाइस को हम पेरिफेरल नहीं बोलते हैं, इनपुट और आउटपुट, इनपुट आउटपुट डिवाइस को पेरिफेरल डिवाइस बोला जाता है। सिर्फ इनपुट नहीं आएंगे इसमें, आउटपुट डिवाइस भी होती है जिन्हें हम पेरिफेरल डिवाइस बोलते हैं, तो इसीलिए ये गलत हो जाएगा, ठीक है। ओएमआर क्या है, एक इनपुट डिवाइस है, बिल्कुल है, जैसे हम एग्जाम आते हैं, ठीक है, तो जो शीट भरते हैं तो ऑब्वियस है हम कुछ दे रहे हैं तभी जो है हमको क्या मिलता है, हमारा रिजल्ट मिलता है अब इससे, ठीक है। तो हम जो चीज़ें फिल कर रहे हैं उसमें वो क्या है, हमारी इनपुट है, ठीक है, तो ऑब्वियस है ये इनपुट डिवाइस हो जाएगा। ओके इनपुट डिवाइस हेल्प करता है कंप्यूटर की रिसीविंग डाटा, बिल्कुल कंप्यूटर रिसीव तभी करवाता है जब इनपुट डिवाइस हमारी हेल्प करती है। इनपुट डिवाइस के थ्रू ही हम जो है कंप्यूटर को डाटा दे पाते हैं। ओके तो इसीलिए सेकंड जो है इनकरेक्ट होगा। चलिए अगला देखिए, डैश इज द बिट रेट ऑफ अवेलेबल और कंज्यूम्ड इन्फॉर्मेशन कैपेसिटी एक्सप्रेस टिपिकली इन मैट्रिक मल्टीपल ऑफ बिट्स पर सेकेंड। ओके बिट रेट कितने जो है बिट्स जो है पर सेकेंड में जो है जा रही हैं। ओके इसको बोला जाता है बैंडविड्थ, ठीक है, तो बैंडविड्थ इज द बिट रेट ऑफ अवेलेबल और कंज्यूम्ड इन्फॉर्मेशन कैपेसिटी एक्सप्रेस टिपिकली इन मैट्रिक मल्टीपल ऑफ बिट्स पर सेकेंड, तो बैंडविड्थ हो जाएगा ये। नेक्स्ट देखिए, डैश आर ए सेट ऑफ वायर विच कैरीज ए ग्रुप ऑफ बिट्स इन पैरेलल एंड हैज एन एसोसिएटेड कंट्रोल स्कीम। इट प्रोवाइड्स ए कम्युनिकेशन पाथ बिटवीन टू और मोर डिवाइस ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। ओके दो और दो से ज़्यादा जो कंप्यूटर सिस्टम जो है आपस में कम्युनिकेट कर पा रहे हैं तो उसके लिए क्या होता है ये पूछा है, तो सेट ऑफ वायर्स होता है, वायर्स के थ्रू ही जो है वो एक दूसरे से बात कर पा रहे हैं, तो इसको बोला जाता है बसेस, ठीक है। बस भी इसमें जो है तीन तरीके के होते हैं, एक एड्रेस बस होती है, एक कंट्रोल बस होती है, और तीसरी डाटा बस होती है, ठीक है। जो एड्रेस लेके जा रही है वायर वो एड्रेस बस हो जाएगी, जो कंट्रोल कर रही है चीज़ों को कंट्रोल बस हो जाएगी, और जो डाटा लेके जा रही है वो डाटा बस हो जाएगी जिसके पास डाटा है, ठीक है। तो तीन तरीके की बसेज होती हैं, तो ये याद रखना है, बसेज आर सेट ऑफ वायर्स। कंट्रोल यूनिट तो देखो किस में होता है, सीपीयू में होता है, कंट्रोल करने का काम होता है सीक्वेंस में। कैशे मेमोरी मैं बता चुकी हूँ, बफर का काम करती है सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में। रजिस्टर जो है टेम्परेरी स्टोरेज के लिए ही जो है एक फास्टेस्ट और स्मॉलेस्ट मेमोरी है, कैशे से भी ज़्यादा जो फास्टेस्ट और स्मॉलेस्ट है वो रजिस्टर ही है, लेकिन ये टेम्परेरी स्टोर करने के लिए जो हम रजिस्टर का यूज़ करते हैं, ठीक है। चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेब ब्राउजर क्रिएटेड एंड डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। इनमें से कौन सा है जिसको माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया है, तो देखिए ओपेरा को नहीं किया, ब्रेव को नहीं, क्रेव इसको किया, एज को, ठीक है। इसके अलावा एक और बहुत पहले आपने नाम सुना होगा, अब तो बंद हो चुका है, इंटरनेट एक्सप्लोरर, उसको भी माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया था। क्रोम तो गूगल क्रोम का है तो ये भी नहीं होगा, ठीक है, तो एज जो है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक। तो क्रोम किसका हो जाएगा, गूगल का है, ओपेरा को तो कंपनी ओपेरा ने ही जो है डेवलप किया था, और यहाँ पे एक और नाम दिया गया है ब्रेव। ब्रेव जो ब्राउजर है इसको ब्रेव सॉफ्टवेयर एक कंपनी थी उन्होंने जो था किया था, ठीक है, कैलिफोर्निया की है, जिसका हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया सैन फ्रांसिस्को में है, तो माइक्रोसॉफ्ट ने नहीं किया था, बट ये याद रखें, बट ये एक चीज़ ये याद रख सकते हो कि कई बार वेब ब्राउजर का नाम पूछ लिया जाता है, तो ब्रेव भी एक वेब ब्राउजर है, ये याद रखना आपको, ठीक है। ओपेरा भी है, एज भी है, क्रोम भी है, ये वेब ब्राउजर है, और एज को डेवलप किया है माइक्रोसॉफ्ट ने, क्रोम को गूगल ने, और ओपेरा को ओपेरा ने, और ब्रेव को ब्रेव सॉफ्टवेयर एक कंपनी है उन्होंने जो है डेवलप किया है। ओके
चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज टू सिलेक्ट ऑल सेल, सारे सेल्स को सिलेक्ट करना ऑफ करंट रो इन एमएस एक्सेल 2010 वर्कशीट। तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, शॉर्टकट की लेनी पड़ेगी किसकी, एमएस एक्सेल की, ठीक है, एमएस एक्सेल की शॉर्टकट की वाली वीडियो है, वहां पे आप देख सकते हैं, वहां पे सारी मिल जाएंगे आपको। तो करंट रो को जो है सिलेक्ट करना है, ऑल सेल्स मतलब एक ये रो हो गई, मतलब मान लो ऐसे पांच रो हैं या तीन रो हैं, इसमें मुझे जो है सेकंड वाली को जो है सिलेक्ट करना है इस पूरी को, लेकिन जितने भी सेल है इसमें 1 2 3 4 5 मंडल मैंने जितने भी हैं इसमें इन सभी को सिलेक्ट करना है। तो उसके लिए पूछा है, तो उसके लिए हो जाएगा शिफ्ट और प्लस स्पेस बार क्लिक करेंगे तो ये पूरी जो रो है वो सिलेक्ट हो जाएगी जितने भी सेल है इसमें, ठीक है। तो शिफ्ट प्लस स्पेस बार याद रखिए। अगला देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फोल्डर इज यूज टू स्टोर डिलीटेड ईमेल्स, जो डिलीटेड ईमेल्स जिस फोल्डर में जाते हैं उसको क्या बोलते हैं, उसको बोला जाता है ट्रैश, ठीक है। इनबॉक्स में तो वही आता है जो हम हमारे पास आते हैं, ड्राफ्ट में कुछ हम मान लो टाइप कर रहे हैं और उसको वो कर देते हैं, स्पैम जो अननोन पर्सन की तरफ से बार बार आते हैं वो स्पैम होते हैं, ठीक है, अनवांटेड मैसेज कह सकते हैं, अनवांटेड मैसेज। और ड्राफ्ट कुछ हमें भेजना है उसको हम जो है सेव करके रख रहे हैं कहीं पे, वो ड्राफ्ट में चला जाएगा, और जहाँ पे डिलीट ईमेल जाएंगे वो ट्रैश हो जाएगी, ठीक है। ए डैश इज ए नेटवर्किंग डिवाइस दैट फिल्टर नेटवर्क ट्रैफिक वाइल कनेक्टिंग मल्टीपल कंप्यूटर और कम्युनिकेटिंग डिवाइस। देखो फिर से आ गया ना फिल्टर नेटवर्क, अगेन वही क्वेश्चन रिपीट है, ये स्विच हो जाएगा, ठीक। ओके, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए मैग्नेटिक स्टोरेज, जो इनमें से मैग्नेटिक स्टोरेज, देखिए मैग्नेटिक टेप भी है, फ्लॉपी ड्राइव भी है, विंचेस्टर डिस्क भी है, मेमोरी कार्ड जो होता है ये मैग्नेटिक स्टोरेज नहीं होगा, ठीक है। विच अमंग द फॉलोइंग पोर्ट इज ऑल्सो कॉल्ड एज माउस पोर्ट, इनमें से जो माउस पोर्ट होता है वो PS/2 होता है, याद रख लो ये माउस पोर्ट जो होता है ना वो PS/2 होता है, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लिब्रे ऑफिस सॉफ्टवेयर सूट प्रोग्राम, तो लिब्रे ऑफिस में देखो क्या आता है, इंप्रेस भी होता है, राइटर भी होता है, कैल्क भी होता है, एक्सेल नहीं होता है, ठीक है, तो ये इसमें नहीं आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज C++, कोबोल एंड जावा वर यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। देखिए फर्स्ट, ये सबसे पहले तो देखो तीन तरीके की लैंग्वेज होती है, एक होती है मशीन लैंग्वेज जो कंप्यूटर समझता है, आज भी कंप्यूटर किस लैंग्वेज को समझता है, मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज क्या होती है, जो 0 और 1 की फॉर्म में होती है, यानी कि कंप्यूटर को आप जो भी इनपुट दे रहे हो वो तभी समझ सकता है जब वो 0 1 में उसके पास जाएगा, ठीक है। तो ये मशीन लैंग्वेज होती है जो कि कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट होता है। एक होती है असेंबली लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज होती है निमोनिक की फॉर्म में, जैसे मैंने लिख दिया ऐड, एडिशन के लिए मतलब दो चीज़ें जब मुझे ऐड करनी तो ऐड को यूज़ कर रही हूँ, सब यूज़ कर रही हूँ, मतलब वहाँ पे कुछ जो है ना बाय डिफॉल्ट उसमें कुछ निमोनिक्स होते हैं जो हम यूज़ करते हैं उसमें, ठीक है। उसके बाद आती है हाई लेवल लैंग्वेज जो कि हम जो हमारी आम बोलचाल की जो भाषा है, या फिर पूरा प्रोग्राम जैसे मुझे टाइप करना है, इनपुट ABC दिया मैंने प्रोग्राम में, ठीक है, ए में मैंने 10 वैल्यू डाली, बी में मैंने इतनी डाली, फिर सी में इन दोनों का प्लस होके चला गया, ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है ये होती है हाई लेवल लैंग्वेज जिसको कंप्यूटर अंडरस्टैंड नहीं कर सकता है, ठीक है। तो इसने यही पूछा है कि ये जो लैंग्वेज थी ये कब आई थी, तो C++, कोबोल और जावा ये क्या है, हाई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। और जनरेशन वाला मैंने जब चार्ट आपको दिखाया था मैंने बताया था फर्स्ट जो जनरेशन थी उसमें मशीन लैंग्वेज का यूज़ किया गया, सेकंड जनरेशन में असेंबली लैंग्वेज आई, और थर्ड जनरेशन थी जब क्या यूज़ होने लगी, हाई लेवल लैंग्वेजेस यूज़ होने लगी, और ये सारी हाई लेवल हैं तो थर्ड जनरेशन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती थी थर्ड जनरेशन में, IC इंटीग्रेटेड सर्किट चिप जो कि सिलिकॉन की बनी होती, और किसने बनाई है, जैक किल्बी ने जो है इसको इन्वेंट किया था, ठीक है, याद रखना है। चलिए अगला देखिए, ए डैश इज एन इमेज दैट फिल द स्क्रीन व्हेन एवर द कंप्यूटर इज लेफ्ट आइडल फॉर सम टाइम, मतलब कंप्यूटर को जब हम कुछ टाइम के लिए मान लो हम काम कर रहे हैं और कुछ और काम आ गया, या घर पे मान लीजिए कोई आ गया है, तो हम कंप्यूटर को एज इट इज छोड़ देते हैं थोड़े टाइम के लिए, तो आप देखेंगे जब आके दोबारा से उसे 10 मिनट 15 मिनट जो भी टाइम है उसमें आप देखेंगे कि कुछ इमेजेस आपको शो हो रही हैं, ठीक है, कोई भी जो भी आपके कंप्यूटर में होगी वो इमेजेस जो है आपको बार बार चेंज होके जो है शो होती है, तो उसको पूछा गया है उसको क्या कहते हैं, तो उसको स्क्रीन सेवर बोला जाता है, ठीक है। तो स्क्रीन सेवर इज एन इमेज दैट फिल द स्क्रीन व्हेनेवर द कंप्यूटर इज लेफ्ट आइडियल फॉर सम टाइम, ठीक है। चलिए वॉलपेपर तो वो होता है जो हम सेट कर देते हैं ना उधर, जो भी हमारे आइकन्स होते हैं उनके पीछे जो दिखाई देता है वो वॉलपेपर्स होता है, मेन्यू जो ऊपर स्क्रीन पे दिखाई देते हैं वॉलपेपर के ऊपर वो शॉर्टकट मेन्यू हो जाएंगे, ठीक है, सिस्टम ट्रे नहीं होगा।
चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू वर्ल्ड वाइड वेब इज अ फॉल्स. जो देखिए, सबसे पहले तो फुल फॉर्म याद रखिए, फुल फॉर्म इसकी आपको याद रखनी है, किसकी? वर्ल्ड वाइड वेब की. ठीक है, अब इसमें पूछा गया है कि वर्ल्ड वाइड वेब को भी याद रखिएगा, टिम बर्नर्स ली ने ही जो है डेवलप किया था 1989 में. ये पूछा जाएगा वर्ल्ड वाइड वेब इन्वेंटेड डेवलप्ड बाय, तो टिम बर्नर्स ली हो जाएगा. ठीक है, अब इसमें इनकरेक्ट बताना है. देखिए, द प्रोसेस ऑफ स्टोरिंग ए वेब पेज ऑन ए वेब सर्वर इज कॉल्ड अपलोडिंग. बिल्कुल सही है, बार बार पढ़ते आ रहे हैं हम. वेब सर्वर्स आर होस्ट कंप्यूटर दैट स्टोर थाउजेंड्स ऑफ वेब पेजेस. ये भी सही है कि जो वेब सर्वर्स हैं हमारी वो क्या है? होस्ट कंप्यूटर्स हैं, और जिस पर कितने, बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ वेब पेजेस जो है कहाँ पे हैं? वेब सर्वर उस पर हैं, वेब पेजेस पे हैं, मतलब थाउजेंड्स ऑफ, मतलब वेब सर्वर पे हैं थाउजेंड्स ऑफ वेब पेजेस. ठीक है, ओके. द लास्ट वेब पेज ऑफ ए वेबसाइट इज कॉल्ड होम पेज. ओके, यहाँ पे गड़बड़ है. क्या गड़बड़ है? जो होम पेज होता है ना, वो लास्ट वेब पेज नहीं होता किसी भी वेबसाइट का. जो फर्स्ट पेज होता है ना, फर्स्ट मान लो कोई वेबसाइट आपने ओपन की, ठीक है, तो उसका जो फर्स्ट पेज ओपन होगा वो हमेशा क्या कहलाएगा? होम पेज कहलाएगा. बाकी जो ऑप्शन फिर आएंगे, मतलब उसमें कुछ और ऑप्शंस भी हैं जहाँ पे आप अलग पेजेस पे जा सकते हैं, उन्हें हम होम पेज नहीं बोलेंगे. जो हमारा, हमने जैसे ही वेबसाइट ओपन की और जो हमारे सामने इंटरफेस आएगा ना, वो क्या है? वो होम पेज है. ठीक है, तो द फर्स्ट वेब पेज ऑफ ए वेबसाइट इज कॉल्ड होम पेज, ये याद रखना है. तो बस यही इसमें मिस्टेक थी. आगे, द प्रोसेस ऑफ रिट्रीविंग ए वेब पेज फ्रॉम ए वेब सर्वर ऑन द यूजर कंप्यूटर. डाउनलोडिंग अपलोडिंग में बता चुकी हूँ, कोई नई चीज नहीं है इसमें. ठीक है, चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट इन यूज टू गो टू द फाइल टैब. फाइल टैब पे जाने के लिए ऑल्ट प्लस एफ जो है हो जाएगा. ओके, द फायरफॉक्स वेब ब्राउजर वॉज डेवलप्ड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी. द फायरफॉक्स वेब ब्राउजर को भी जो है किसने लिया था, मतलब डेवलप किया था? मोजिला फायरफॉक्स जो है, नाम पूरा आता है मोजिला फायरफॉक्स. ठीक, ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ वर्ड प्रोसेसर. वर्ड प्रोसेसर का मतलब क्या है? जिसमें आप टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं, कोई लेटर टाइप कर सकते हैं, मैसेज टाइप कर सकते हैं, तो ये होता है क्या? वर्ड प्रोसेसर होता है. तो देखिए, एमएस वर्ड में कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपल है. एमएस क्या है दिया है? वर्ड पैड. देखो, नाम में ही वर्ड पैड आ गया, तो बिल्कुल कर सकते हो. गूगल डॉक्यूमेंट्स, गूगल डॉक्यूमेंट में भी जो है आप टाइप कर सकते हैं, तो वो भी हो जाएगा. ओके, एमएस एक्सेस क्यों नहीं होगा? क्योंकि एमएस एक्सेस क्या होता है? एक डीबीएमएस सॉफ्टवेयर होता है. क्या होता है? डीबीएमएस सॉफ्टवेयर मींस, ये जो भी आपका पास डाटा है ऑलरेडी, जो आपके पास डाटा है, मान लो किसी स्कूल का ही डाटा है, उसको मैनेज करने के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज किया जाता है वो एमएस एक्सेस होता है. वहां पे हम टेक्स्ट रिलेटेड वर्क जो है नहीं करते हैं, वर्ड प्रोसेसर नहीं है, मतलब वहां पे जो हम टाइपिंग वगैरह का काम नहीं करते हैं, जस्ट इसको मैनेज करने का काम जो है एमएस एक्सेस में किया जाता है. तो याद रखना है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस इज ए डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. ठीक है, डीबीएमएस होता है, ये डाटाबेस को मैनेज करने का काम किया जाता है. देखिए, डैश इज द कीबोर्ड शॉर्टकट टू सेव ए प्रेजेंटेशन. प्रेजेंटेशन को सेव करने के लिए कंट्रोल प्लस एस यूज हो जाएगा. कंट्रोल प्लस ए सिलेक्ट ऑल करने के लिए, क्या? ऑल सिलेक्ट करने के लिए. सी किसके लिए होता है? कॉपी के लिए. और वी किस लिए होता है? देखिए, मैंने तीन बताए थे, सी कॉपी के लिए, कट के लिए एक्स हो जाएगा क्योंकि सीजर का साइन है, और पेस्ट के लिए वी हो जाएगा. तो ये पेस्ट के लिए होगा यूज. ठीक है, चलिए आगे है. द फर्स्ट पार्ट ऑफ एन ईमेल एड्रेस इज द, जो फर्स्ट पार्ट होता है ना ईमेल एड्रेस का, जैसे मैंने लिखा, मान लो क्या ईमेल एड्रेस ले सकते हैं, लिख लीजिए एस बी दैया, ये लिखा मान लो मैंने, एट द रेट जीमेल डॉट कॉम. एस बी दैया एट द रेट जीमेल डॉट कॉम. अब यहाँ पे जो ये एस बी दैया है, यानी कि जो फर्स्ट पार्ट है, इसको हम क्या बोलते हैं? ये क्या हो जाएगा? यूजर नेम हो जाएगा. इसको क्या बोलेंगे? यूजर नेम जो है बोलेंगे. ठीक है, क्या बोला जाएगा? यूजर नेम. चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट जनरल पर्पज इलेक्ट्रॉनिकल डिजिटल कंप्यूटर डिजाइन इन द यूनाइटेड स्टेट्स. ओके, जो पहला जनरल पर्पज इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर जो था डिजाइन किया गया था, वो कौन सा है? तो वो है इनायक. क्या है? इनायक. इसको थोड़ा सा डिटेल में बता देती हूँ मैं, एक मिनट. तो याद रखना है, फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर आपसे पूछा जाएगा, फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर इनायक. फिर आती है इसकी फुल फॉर्म, इनायक की फुल फॉर्म. देखो, ई से बनेगा इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक होता है ना कंप्यूटर, तो ई से इलेक्ट्रॉनिक बना दो. ठीक है, एन से क्या हो जाएगा? न्यूमेरिकल, क्योंकि यहाँ पे मैथमेटिकल संबंधित काम होता है, तो न्यूमेरिकल कर दो इसको, न्यूमेरिकल. फिर आई से कर दो इंटीग्रेटर, क्या हो जाएगा? आई से इंटीग्रेटर. और ए से क्या हो जाएगा? एंड हो जाएगा. और सी से, और न्यूमेरिकल का काम है तो कैलकुलेटर के बिना कैसे होगा, तो कैलकुलेटर कर दो. इलेक्ट्रॉनिक, न्यूमेरिकल
एंड इंटीग्रेटर एंड सॉरी इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, ये इनायक की फर्स्ट फुल फॉर्म होती है। ये फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर था जो कि 1945 में जो था आया था, 1943 में आया था। इसके बाद जो था फिर ईडी वेक आया था एक 1945 में, ठीक है। ईडी वेक होता है देखो इलेक्ट्रॉनिक, यहाँ पे क्या होगा डिस्क्रीट हो जाएगा ये वेरिएबल और कंप्यूटर, वी एस ए वेरिएबल डिस्क्रीट वेरिएबल कंप्यूटर ये हो जाएगा, ठीक है। कई बार ये पूछा जाता है कि किसने जो है इनायक और ईडी वेक को जो है डेवलप किया था, तो इनके नाम आपको याद रखनी है, तीन नाम जो आपको याद रखनी है, जे मूचली MUCHLY जे मोचली, जे प्रस्पर इकर्ट। ये मैंने सारा चीज़ें जो है उसमें डिटेल में करा रखी हैं, जिसको देख रहे हैं वो भी देख सकता है। और एक था जॉन वॉन न्यूमान। तो ये तीन नाम आपको इनायक से याद रखने हैं, ये फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर था, ठीक है। चलिए ओके अगला देखिए, कंप्यूटर मेमोरी से ट्रू और फॉल्स बतानी है। ऑक्सिलरी मेमोरी कौन सी होती है, सेकेंडरी मेमोरी, ये होल्ड करती है प्रोग्राम एंड डाटा फॉर फ्यूचर यूज बिकॉज इट इज नॉन वोलाटाइल। बिल्कुल सही है, मैंने कहा आपको कि सेकेंडरी मेमोरी नॉन वोलाटाइल, नॉन वोलाटाइल का मतलब होता है परमानेंट स्थायी मेमोरी होती है, तो बिल्कुल ट्रू हो जाएगा। सेकेंड देखिए, द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ ऑक्सिलरी स्टोरेज डिवाइस आज कैसी एंड ड्राइव, जिस गलत हो जाएगा क्योंकि कैशे तो देखो ये तो स्पीड को इंक्रीज करने के लिए हम बफर की तरह काम करते हैं, लेकिन जो रैम होती है वो कैसी होती है, मेन मेमोरी होती है, ना कि सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी में तो देखो मैग्नेटिक डिस्क आ जाएगा, मैग्नेटिक टेप आ जाएगी, ठीक है, सॉलिड स्टेट ड्राइव आ जाएगी, SSD वो होती है स्टोरेज डिवाइसेस। तो इसलिए पहला ट्रू और सेकेंड फॉल्स है, तो फोर्थ ऑप्शन सही रहेगा। चलिए अगला देखिए, इन ए MS Word 2010 डॉक्यूमेंट एंड ईमेल एड्रेस टेक्स्ट स्ट्रिंग इज ऑटोमेटिकली शोन एज ए हाइपर लिंक, मतलब जो एड्रेस टेक्स्ट स्ट्रिंग है वो ऑटोमेटिकली शो कर रहा है एज ए हाइपर लिंक। हाइपर लिंक जब लिंक देखो आपको अलग ही कलर में मिलेगा, ठीक है, लिंक में वैसे तो अलग अलग कलर आते हैं पर मोस्टली आप देखते हैं ब्लू कलर का जो है आपको लिंक दिखाई देता है, ठीक है, वो अलग ही शो करता है लिंक, ठीक, तो वो ऑटोमेटिकली वो हो रहा है। उसके बाद क्या कह रहा है कि टू रिमूव दिस लिंक, इस लिंक को रिमूव करने के लिए कौन सा सिलेक्टेड करेंगे, राइट क्लिकिंग ऑन इट, मतलब राइट क्लिक करके क्या कर देना आपको, रिमूव हाइपर लिंक कर देना है, तो वो लिंक जो है वो क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कीवर्ड शॉर्टकट विल लॉन्च द स्टार्ट मेन्यू इन द विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, जो लॉन्च करता है स्टार्ट मेन्यू को वो हो जाएगा विंडो, ठीक है। ESC में तो क्या होगा, कुछ भी आपने जो चला रखा है ना वो एकदम से बंद हो जाएगा, ESC करेंगे तो वो आपका क्या होगा, बंद हो जाएगा सारी चीज़ें, ठीक है। होम तो होम पे पहुंच जाएंगे, बैक स्पेस मतलब यहाँ पे हैं आप तो पीछे जाने के लिए बैक स्पेस का यूज़ करते हैं, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट इज यूज टू फॉर्मेटिंग ए वर्कशीट यूजिंग फॉर्मेट एज टेबल स्टाइल इन MS Excel 2019, तो इसके लिए यूज़ होती है Alt+H+T, फॉर्मेट एज ए टेबल, तो T से टेबल आ जाएगा और Alt+H करना है आपको फॉर्मेट के लिए, ओके। सेव करने के लिए Ctrl+S रहेगा, कोई बड़ी बात नहीं है। सेलेक्ट ऑल करने के लिए, ये बोल्ड के लिए, ये न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करने के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ की इज यूज टू अंडू एन एक्शन, अंडू और रीडू हमने दो पढ़े थे, तो Ctrl+Y तो होता है रीडू के लिए और Ctrl+Z होता है अंडू के लिए, ऑल्ट नहीं आता है, मैंने बताया ज़्यादातर काम जो होते हैं वो कंट्रोल से ही बनेंगे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट इज यूज टू एंटर ए न्यू लाइन इन द सेम सेल इन एन MS Excel 2010 वर्कशीट, ओके। न्यू लाइन जानी है, मतलब एक देखो ऐसे होते ना सेल हमारे, अब इसमें मैंने लिख लिया चार लाइन पांच लाइन एक ही सेल में, अब मैं आगे और लिखना चाहती हूँ, ठीक है, तो उसमें जो है न्यू लाइन अगर मुझे लेनी है तो उसमें क्या करेंगे, हम Alt+Enter को करेंगे, ठीक है। What is the default alignment of numeric value that are entered into the cell of an MS Excel worksheet? तो by default पूछा है इसने MS Excel में कि क्या होता है, right alignment होता है, मतलब cell में जब हम लिखते हैं तो वो कैसा आता है, right alignment होता है उसमें, ठीक है, by default, तो याद रखना है तो right रहेगा। Which of the following keyword shortcut is used to insert a footnote in MS Word? Footnote को अगर हमें add करना है तो उसके लिए Ctrl+Alt+F हो जाएगा, इसमें फिर कंट्रोल और ऑल्ट दोनों होके और फुट नोट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑप्टिकल, CD और DVD होती हैं, तो CD हो जाएगा, ठीक है। मैग्नेटिक टेप, हार्ड डिस्क ड्राइव, OPDC, ये सारी मैग्नेटिक उसमें चली जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट अवेलेबल फॉर प्रिंटिंग ए डॉक्यूमेंट इन MS Word? तो देखो प्रिंट सिलेक्शन भी होता है, प्रिंट ऑल पेज भी होता है, प्रिंट कस्टम रेंज भी होता है, प्रिंट ऐड नहीं, देखो हमने ऊपर पढ़ा भी था, देखो फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन हमने पढ़ा था वो यही तो पढ़ा था जिसमें हम प्रिंट ऑल पेज कर रहे थे,
लेकिन वो किस में था, एमएस वर्ड 365 में पूछा गया था, तो मैंने कहा था आपको सारे क्वेश्चन सेम ही मिलेंगे। प्रिंट सेलेक्ट करके भी कर सकते हैं, ऑल पेजेस को भी कर सकते हैं, कस्टम प्रिंट भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन प्रिंट ऐड इन का उसमें कोई ऑप्शन नहीं था, तो इसीलिए ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता है। ठीक, तो ये क्वेश्चन हमने पढ़ लिए हैं। देखिए मैंने ये बना दिया है, या इसके आगे भी जो है और कई घंटों की जो है वीडियो बन सकती है, बट एक बार देखते हैं, अगर आपको पसंद आती है तो ही जो है हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है, तभी जो है हम आगे फिर इसके जो और क्वेश्चन रहते हैं बाकी उन्हें कवर करेंगे, ठीक है। अगर रिस्पॉन्स लगता है कि हाँ भाई बच्चे देख रहे हैं, पसंद आ रही है, समझ आ रहा है, मेन मोटिव तो वो है कि समझ आना चाहिए आपको, अदरवाइज अगर समझ ही नहीं आया तो फिर कोई वो नहीं बनता है ना बनाने का। तो ये 2 घंटे की वीडियो हो चुकी है, तो अगर आपको सही लगता है तो ही जो है हम फिर आगे नेक्स्ट जो भी पेपर रहते हैं बाकी के 2022, 23 और 24 के भी एग्ज़ाम हो चुके हैं, तो उसमें जो पूछा गया है वो भी जो है हम फिर आगे नेक्स्ट वाले पार्ट में जो है कवर कर लेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।